कास्टिंग काउच इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ नहीं चलेगा, यहाँ सॉर्ट आउट कर लो ना तुम्हारी ऐसी की तैसी. मैंने बहुत बार सुना, इनफैक्ट आपने भी ये बात बोली कि आपको बहुत बार बिग बॉस जाने के लिए ऑफर आई पहले भी, बट आप नहीं गए. हाँ. और बहुत सारे एक्टर आज भी जाना नहीं चाहते. पड़ोसी हैं तो पड़ोसी की तरह नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपका भूगोल बदलना पड़े. अगर भाई ये बताइए, फैमिली में कौन कौन है, घर में कितने मेंबर्स हैं? आपसे मैं जो पैसे तो मिल नहीं है. राइट एक्सर, कैसे आए थे जैसे? हेलो एंड वेलकम बैक वन सेकंड शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है. टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ द रेनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम बॉलीवुड. यस, उनको आपने देखा था उत्तरन फेम में, और अभी हाल फिलहाल में आपने उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी देखी है, वो है गदर 2. और जो मूवीज में तोड़ देते हैं विलन का थोपड़ा, नाम है उनका गौरव चोपड़ा. गौरव भाई वेलकम टू शिराज खान शो. थैंक यू, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग. सो लॉन्ग. गुड हेल्थ, वेल्थ एंड एवरीथिंग इज द सेम. ये दुकान है हमारी, मेंटेन करना पड़ता है. कल मुझसे कोई इंटरव्यू में कुछ पूछ रहा था, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो बोल रहे आप बहुत फिट लगते हैं, आप हमेशा से ऐसे ही हैं, आपकी जीन्स का साइज क्या है? तो मुझे उसको बताते बताते रियलाइज हुआ कि द साइज ऑफ जीन्स दैट आई यूज्ड टू वेयर व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड, मैं अभी भी वही पहन रहा हूं. क्या बात कर रहे हैं. तो वो क्या था वो हमें भी बता दो यार. 31 मतलब ये तो ना 30 ना 32, मतलब 31 वाली अगर 32 पहन लो तो भी ठीक, 30 पहन. वेरी गुड. मतलब ये वाकई में सस्टेन करना एक फिटनेस लेवल को बहुत बढ़िया बात है, और इस इंडस्ट्री में रहना तो करना पड़ेगा. करेक्ट, मेरे लिए थोड़ा आसान है, मैं बोरिंग हूँ. है नहीं, आप हो नहीं, मुझे मालूम है, पर्सनली जानता हूँ ना मैं. अच्छा, सबसे पहले हमारे शो की एक वो कहते हैं रिचुअल्स हैं, कि जब भी कोई शो में शुरुआत करते हैं ना, एक शेर आपकी तरफ से हो जाए. मेरी तरफ से? आपकी तरफ से हो जाए, मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप उर्दू को बखूबी जानते हैं ये मुझे मालूम है. उर्दू बखूबी जानता हूँ, पर पोएट्री बोलनी पड़ेगी इस बात. नहीं, नहीं, तो वही तो है. अभी जिस फिल्म की प्रमोशन के लिए घूम रहा हूँ, उस फिल्म के सीन में एक है. हाँ, बिल्कुल. क्योंकि मैं एक प्रोफेसर पोएट प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में. फिल्म का नाम है लकीरें, 3 नवंबर को आ रही है. अभी पिछली फिल्म में लोगों ने मुझे आर्मी कर्नल के रूप में देखा था. Right. अब प्रोफेसर के रूप में देखेंगे. तो जब इनकी मंगनी हो रही है, बड़ी सादी सी लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो मंगनी हो रही है, तो वहाँ पे ऐसे डिमांड होती है कि एक दो लाइन बोलो ना. तो वहाँ अंगूठी पहनाने से जस्ट पहले उसकी आंखों में आंखें डाल के धीरे से उसकी तरफ चल के उसे कहता है, तुझे खबर नहीं है मगर ये जान ले, तुझे खबर नहीं है मगर ये जान ले, आदत खराब कर दी तेरे 2 दिन के प्यार ने. हाय हाय, इतना सुकून. वाह 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 वाह, वेरी गुड. क्या बात है. देखा, मतलब मुझे मालूम है ये हिडन टैलेंट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था हमारे गौरव का. गौरव बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, उनका तलफ्फुज़, उनकी अदायगी बहुत अच्छी है. सबसे पहले मैं इसी से बात शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने आपके पर्सनली हम बहुत ज़्यादा हमारी इंट्रैक्शन हुई है. ये उर्दू सीखी है या फिर आपको बचपन से शौक था, या फिर इंडस्ट्री में आने के बाद? नहीं, ना सीखी ना शौक था. मेरे वालिद देखा करते थे मुशायरे. अच्छा. कवि सम्मेलन भी, मुशायरे भी. वाह. जब वो छोटे थे तो वो उर्दू में कहानियाँ लिखा करते थे किसी और नाम से, बताने के लिए कि मैं उम्र में बड़ा हूँ. तो ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही यूज्ड टू राइट. ओके. पर वो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सबसे बड़े अखबार थे वो सब उर्दू थे. उर्दू थे जी. तो उन अखबारों में आपकी कहानी छपना या आपकी शेर व शायरी छपना एक बहुत बड़ी बात थी. करेक्ट. तो एक बच्चे को नहीं वो ऑनर मिल सकता था. राइट. सो वो जानबूझ के एक उन्होंने अपना एक कैरेक्टर इन्वेंट किया, और फिर किसी बड़े इंसान के नाम से वो भेजते थे. वाह. और फिर उन्हें बड़ा मजा आता था कि उन्हीं के आसपास लोग वो पढ़ते थे, पढ़ते ये सोच के कि किसी और ने लिखा है. बट उनका, क्योंकि वो राइटिंग का और उर्दू की जुबान की तरफ उनका एक, उनकी मोहब्बत थी, एक लगाव था. और उर्दू एक ऐसी जुबान है कि अगर उसकी मिठास की लत आपको लग जाए तो आपको समझ में आ जाता है कि चाहे रोमांस हो, चाहे इमोशन हो, चाहे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग को आपको बयां करना हो, तो कुछ कुछ ऐसे लफ्ज करेक्ट तलफ्फुज में उर्दू में है जो नहीं, वो मिठास से कह देते हैं वो सारी बातें. क्या तो वो वैसे हर लैंग्वेज की वो ब्यूटी होती है. अगर आप हिंदी की बुकिश लैंग्वेज से दूर हटके, बट नॉर्मल एवरीडे बोली चाली लैंग्वेज से थोड़ा सा हटके कुछ ऐसा वर्ड यूज करते हैं तो भी अचानक अच्छा लगता है. एग्जैक्टली. और आपकी बस प्रोनंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए. वो अगर यू नो, आई थिंक हर जुबान की अपनी ब्यूटी है, उसको खराब नहीं करनी चाहिए. तो इसके कहते हैं ना कि अंदाजे बयां हर बात का मतलब बदल देती है. करेक्ट करेक्ट. वरना इस दुनिया में कोई बात नई तो नहीं. बिल्कुल सही. ठीक है.
तो अंदाज होता है, और आपके जो अंदाजे बयां हैं किसी भी बात को कहने का, एक्सप्रेस करने का और समझाने का, और मैं मुझे मालूम है लोगों को आप समझाते बहुत अच्छे हैं, सलाह बहुत अच्छी देते हैं, और ये सबने नेशनल टीवी पे भी देखा है और पर्सनली भी हम जानते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब से, जैसे आपने कहा वो उर्दू में लिखा करते थे, तो मतलब उर्दू से प्यार उनका तो रहा है, और उनकी शायद मैं कहता हूँ मदर टंग उस ज़माने में बिफोर इंडिपेंडेंस वो उर्दू ही रही है, तो आपका भी कभी उससे लगाव रहा, उन्हीं से कुछ ना कुछ नहीं जुड़ता पता रहा? नहीं था कि एक्टर बनना है, पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छे थे, देख के अब लगता नहीं पर थे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो जब आप इंटेलिजेंट होते हैं स्पोर्ट्स में भी अच्छे, एलोक्यूशन डिक्लेमेशन भी करते हैं, डिबेट्स भी करते हैं, स्कूल के एडिटोरियल बोर्ड में भी हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे मतलब क्रिकेट टीम में भी हैं, हॉकी टीम में भी हैं, फुटबॉल टीम में भी हैं, चेस भी खेलते हैं, तो एक वो ऑलराउंडर वाली सिचुएशन में इतनी उम्मीदें थी खुद से और सबको ग्रोइंग अप इन द 90s इन अ प्लेस लाइक दिल्ली कि ये तो कुछ सोच ही नहीं सकता था, मतलब मैं खुद भी शायद मैंने खुद को अलाउ नहीं किया ये सोचना कि ये सब छोड़ छाड़ के मैं ये सारा प्रॉमिस और सिक्योर फ्यूचर छोड़ छाड़ के मैं कहीं एक्टर बनने चला जाऊँगा। सो अनएक्सपेक्टेड था ये सारी चीज़ें, क्यों मैंने एब्जॉर्ब कर ली या मेरे भाई या मेरे बहन से ज़्यादा मैंने क्यों इन्हें अपनाया, ये सब किस्मत का खेल होता है। सर आपने जब बात भाई और बहन की है तो बात वहीं से थोड़ी सी शुरुआत आगे बढ़ाते हैं। घर भाई ये बताइए फैमिली में कौन कौन है, घर में कितने मेम्बर्स हैं? एक भाई है वो अब शारजा में रहता है, अरे वाह। एक बहन है वो यहाँ दिल्ली में रहती है, मैं बम्बई में रहता हूँ, बस यही। और मॉम डैड? मॉम डैड जिन्हें मैंने खो दिया साथ में ही, उन्हें शायद एक दूसरे का साथ निभाना ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, तो वो साथ में ही चले गए कोविड की फर्स्ट वेव में। अच्छा, और अपनी कुछ फैमिली के बारे में, लाइक आप वो जो रिवील नहीं करना चाह रहे, मैं चाहता हूँ थोड़ा उसके बारे में बात करें, आपकी शादी के बारे में बात करें कि नहीं, वो शादी के बाद में रिवील करने को कुछ है नहीं। नहीं मतलब आपके साहबजादे हैं? मेरे साहबजादे हैं, वो अपनी मम्मी के साथ बैंगलोर में रहते हैं, मैं बम्बई में रहता हूँ। अच्छा, हम अलग रहते हैं पर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वाई हम अलग हैं? अच्छा, ओके। और आपके बेटे, उनका नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम मैंने ही बनाया दो शब्दों को जोड़कर, उसका नाम है रिध्यान। रिध्यान? रिध्यान, रिध्यान का मतलब होता है द वन विद, जो अंदर से एनलाइटेंड है, पहले से, जो पहले से ही जगा हुआ, समकता हुआ, जो जगा हुआ है। एग्जैक्टली, वो जब आया था तो मम्मी पापा के जाने के बीच में 10 दिन का गैप था, और फिर उसके 15 दिन के बाद बेटा आ गया, तो वो मेरी तो उस वक्त एक, मतलब मम्मी पापा 10 दिन के गैप में है? जी जी। तो ये क्या हाल फिलहाल की बात है? नहीं, कोविड फर्स्ट वेव जो मैंने कहा आपसे। अच्छा, कोविड में ही दोनों एक्सपो? सो सॉरी फॉर इट्स ओके। एंड फिर 10-15 दिन बाद बेटा आ गया, तो वो जो उनका पूरा लेसन, वो जो पूरा लेसन है ना कि आना जाना एंड वो सब, ऐसे 25 दिन में सीख गया। मतलब वो कैसी फील थी कि मतलब मॉम डैड के सदमे से या उनकी जाने की जो तकलीफ थी उससे बाहर नहीं उभर पाए, बस उसके साथ साथ एक खुशी ऊपर वाले ने आपको दी? हाँ, वो यू नो अलग इमोशंस होती हैं, पर वो एक ऐसा दौर था फर्स्ट वेव खासकर, जहाँ पर डर बहुत था, वो एक बहुत कंफ्यूजिंग और मुश्किल वक्त था, सभी के लिए था, पर जिनके घर ट्रेजिडीज हुई थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इलाज के बाद अगर कहीं कुछ अनहोनी या ट्रेजेडी हुई है तो लास्ट राइट्स, एग्जैक्टली, सब बहुत सिस्टम्स कलैप्स कर गए थे, और क्योंकि पहला वेव था सिर्फ अफवाहें और ज़्यादा थे क्वेश्चंस, किसी को नहीं पता था कि वैक्सीन कभी आएगी, जैसे हमें नहीं पता था कि हमारी शूटिंग कभी शुरू होगी, राइट हम बाकी कुछ लोगों ने वर्किंग फ्रॉम होम शुरू कर दी थी, और मैं ये सोच रहा था कि हम कब वापस 200 लोग मिलकर काम कर पाएंगे, कब उस प्रॉक्सिमिटी में वो मेकअप वाला आपको टचअप कर रहा है और आप अपने को आर्टिस्ट को छू रहे हो, या आप सेटिंग्स वालों के बनाए हुए फर्नीचर पे बैठ रहे हो, आप ये कैसे प्रॉक्सिमिटी और टच दोबारा कर पाएंगे, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था ये कहाँ जाएगा और कैसे होगा, और उसके बीच में वो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड्स और इन्फॉर्मेशन और रोज़ नई कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके बीच में इतना केओस था, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद थे, सिस्टम्स कम काम कर रहे थे,
कोई ये कागज बनाना मुश्किल, कोई सर्टिफिकेट बनाना मुश्किल, एफिडेविट बनाना मुश्किल, छोटी छोटी बातें जो आप नॉर्मली कर लेते, जो रोजमर्रा की जिंदगी की होती हैं, वो नहीं हो पा रही थी। लास्ट राइट्स, प्रेयर मीटिंग्स, लोगों को बुलाना, उनकी प्रॉक्सिमिटी। आपके घर पे दो ट्रेजेडीज हो गई, तो अब जो बाकी लोग बाहर से आए, क्या वो डर के आए? क्या अब आप उनसे डरें कि आप ऑलरेडी दो लोग खो चुके, तो अब ये आएंगे और ये कंसोलेशन देने के लिए गले मिलेंगे? Exactly. मतलब अनएंडिंग। तो उसके बीच में ये सिर्फ जाना नहीं था, वो एक ऐसा वियर्ड सा ऑलमोस्ट लाइक हॉरर फिल्म वाला एक सॉर्ट ऑफ दौर था, जिसमें एवरीथिंग वाज आउट ऑफ कंट्रोल एंड यू वर जस्ट अ पपेट ट्राइंग टू डू योर बेस्ट। आपको पता ही नहीं था कि आप किस हालात में हैं। जो भी आपको बताया जा रहा था वो सच नहीं था। Correct. जब आप घर से बाहर निकल रहे थे तो पता लग रहा था सिचुएशन जो कही जा रही है उससे वर्स है। ब्लड नहीं, दवाई नहीं, इंजेक्शंस नहीं, बहुत मुश्किल वक्त था। एंड जिसने भी वो वक्त देखा उसके लिए आई एम विद यू। मैं गौरव भाई, ये बताओ आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मैं दिल्ली बॉय हूँ, तो सेंट कोलंबस, पूरी ऑल द 12 क्लासेस सेंट कोलंबस। वाओ, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। इनफैक्ट शाहरुख खान भी वहीं से पढ़े जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शाहरुख खान, क्या बात है। और भी काफी सारे एक्टर्स हमारे स्कूल से, व्हिच इज सो सरप्राइजिंग बिकॉज हमारे स्कूल में बिल्कुल भी इस बात पर एम्फसिस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल में ड्रामेटिक्स या एक्टिंग पर बहुत एनकरेजमेंट है, बट येट सो मेनी एक्टर्स आर फ्रॉम सेंट कोलंबस। बट इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, मतलब आप मॉडल टाउन रहते हैं, सैन कोलंबस ने आपसे स्टडी किया है और मतलब इतने बड़े स्टार वहां से निकले एंड यू आर वन ऑफ देम, तो कितनी खुशी होती होगी स्कूल वालों को भी। आई होप सो। हाँ, कभी जाते हैं? एक आध बार गया हूँ। अच्छा, अभी भी दिल थोड़ा सा ऐसा धक हो जाता है वो बड़ी सी बिल्डिंग को देख कर, जैसे बचपन में होता है, बड़ा सा कैंपस और कॉन्वेंट स्कूल, और वो इट्स एन आयरिश ब्रदर स्कूल। ओके। And hey, I'm confused. Roman Brothers School or Irish Brothers School? लोग मारेंगे आपने, कमेंट में पता चल जाएगा जो सैन कोलंबस के लोग होंगे बताएंगे आपको। I think it's an Irish Brothers School. And वो उन brothers को उन robes में देखना और उनका discipline, और मतलब हमारे स्कूल में उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता था आपके मार्क्स कितने आए। Wow. उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता था कि आप जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल को क्रेडिट जाता है। Of course, ये मेरी इंग्लिश वहां से है। Wow. वो सारी लड़कियों की वो वियर्ड लुक्स की, ये लड़का पागल है क्या, ये अपनी गाड़ी से उतर कर यहाँ क्या करने आ रहा है? वो अब हमारी ट्रेनिंग ही वही थी। Okay. तो हम उतर के ऐसे पहले दरवाजा खोलेंगे फिर उतरेंगे, प्लीज प्लीज करते। अच्छा, वो स्कूल की ट्रेनिंग थी? स्कूल की ट्रेनिंग। ओह माय गॉड, मतलब वो तो वैसे भी बहुत ड्रामेटिक लगता है। हाँ, बड़ा ड्रामेटिक लगता है, लोगों को लग रहा है बहुत एक्टिंग करता है, बहुत स्टाइल मार रहा है, बट हमारी ट्रेनिंग ही वैसी थी। मतलब हम अपने टीचर से बात करते वक्त हाथ पीछे करके बात करते थे, तो वो वही ट्रेनिंग थी। केसेस जैसे ही किसी के फादर मदर कोई इज्जतदार आता है, हम वैसे उसी अटेंशन पोजीशन में आ जाते हैं। सो वो यू नो सेंट कोलंबस इज आई थिंक वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल। अगर आज मेरी जो भी पर्सनैलिटी है अच्छी बुरी उसमें काफी हाथ, तो मतलब जितनी लड़कियों ने और गौरव ने जिनके लिए गेट खोला तो वे समझ जाए, ये स्पेशली उनके लिए नहीं था, ये सीख है। चेयर की परवरिश वो ऐसे अजीब सा होता है, वो लड़की बैठने वाली है और आप ऐसे उठ के जाते हो चेयर पकड़ते हो, सोचते हैं क्या ये क्या था, ये खींचेगा मैं गिरूंगी, और आप एक्चुअली उसको बिठाने के लिए कर रहे हैं बिकॉज नोबडी इज यूज्ड टू इट, इट्स अ काइंड गेस्चर, नो अगेन नोबडी इज यूज्ड टू इट एनीमोर, सो उनको लगता है खींचने वाला है, इतना कौन करता है। आई नो, मतलब हमारी आदत थी। फिर कुछ देर मैंने खुद को समझाया कि अच्छा अब वो जब लेडीज नहीं तो जेंटलमैन को भी बिहेवियर थोड़ा बदलना पड़ेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो लोगों को ठीक है, वजम नहीं हो रही है तो जाने दो। तो कॉलेज कहाँ से रहा आपका फिर कंप्लीट? स्कूल के बाद सीधा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हाउसखास, साढ़े तीन साल फैशन डिजाइन, एक बहुत मुश्किल सा एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका। सो वो देश भर में उस साल कुछ 35 लाख लोग बैठे थे। आई वॉज 9th इन द कंट्री। वाओ। कुछ और एग्जाम्स भी दिए थे स्कूल में, साइंस ली थी तो वो एग्जाम्स भी दिए, और फिर ऐसा लगा कि यार इसमें मैं देश में 9th आ गया तो शायद कुछ तो बात होगी। एग्जैक्टली। हाँ, ये ना, तो यही करना चाहिए, तो वो कर लिया। और अगर वो ना करता तो आज ये एक्टर वाली इंटरव्यू ना दे रहा। अच्छा, अब आती है बात, मतलब पढ़ाई में इतने जीनियस, टॉप 9 में आना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, जहाँ 35 लाख पार्टिसिपेशन हो, उसके बाद टर्न इंटू एज एन एक्टर, मतलब कैसे, बाय चांस या बाय चॉइस? बाय चांस। बाय चांस।
हाँ मतलब चॉइस ये कि हमने किस्मत पे छोड़ा, करेक्ट, बट हुआ बाय चांस। और ये बहुत बोरिंग जवाब है, इंटरव्यूज में बहुत एक्टर्स कहते हैं अरे यार मैंने सोचा नहीं था, किस्मत ने मुझे एक्टर बना दिया। वो डायलॉग अच्छा है पर यहाँ सचमुच ऐसा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट एक पॉइंट के बाद कुछ ऐसे लोग मिले जिंदगी में जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए और इनकरेज बहुत किया। बिकॉज आप इंटेलिजेंट थे, बिकॉज दूसरी चीजों में अच्छे थे, कंफ्यूजिंग था करें कि ना करें, ये सब छोड़ छाड़ के, ये जो सिक्योर सा फ्यूचर दिख रहा है exactly. ये सब छोड़ छाड़ के कहीं और जाकर बिल्कुल ऐसे फ्रॉम स्क्रैच शुरू करें। और 90s में अभी तक रियलिटी शो वाला दौर नहीं था ना, तो ऐसे डर लगता था, स्कोप ऑफ वर्क भी कम था, डर था राइट कि यहाँ से जाएंगे तो लोग उल्लू बनाएंगे, कोई पैसे ऐंठ लेगा। मेरी मम्मी मुझे ऐसे चिंता वाली आवाज में बोलती थी, ऐसे सड़कों पर घूमना मत। उनको ऐसा कुछ एक विजुअल था कि मेरा बेटा स्ट्रगल करेगा, सड़क पे ऐसे घूम रहा है, फोटो देता हुआ। उनको पता नहीं क्या माँ का माँ है ना, एग्जैक्टली, उन्हें पता नहीं उनका बेटा पहले से ही एटीट्यूड से भरा हुआ। मैंने वहां जाकर विजिटिंग कार्ड्स बनाए थे बॉम्बे, अच्छा, और मैं अपनी फोटो दिखाने से पहले विजिटिंग कार्ड देता था, और विजिटिंग कार्ड पे मेरा नाम और मेरी डिग्री और वो सब लिखा होता था, और पीछे लिखा होता था एक्टर। और मैं उनसे ऐसे मिलता था जैसे जैसे कोई बिजनेस प्रपोजल लेके कोई आपके पास आए ये कहने के लिए कि आइए पार्टनरशिप में कुछ शुरू करते हैं, okay. मतलब इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा, फायदा। मैं उस कॉन्फिडेंस से बैठता था कि आओ कुछ मिलकर एक इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, इट्स लाइक अ पार्टनरशिप, एक नई कंपनी शुरू करते हैं। तो कुछ लोग बहुत पसंद करते थे उस कॉन्फिडेंस को, और कुछ लोगों को लगता था बड़ा गधा है। वो स्टाइल नया था ना, कॉन्सेप्ट नया, आई मीन सोच के नहीं किया, मतलब दिस इज व्हाट केम नेचुरली टू मी। आप जो चीज करते थे वो अच्छे से करते थे, आप यहाँ जो परस्यू करने आए वो सही नीयत से आए, ना ना पैसे के लिए, ना फेम के लिए, ना लड़कियों के लिए, ना घर के लिए, ना गाड़ी के लिए आए। जब पहली फेज में कुछ स्ट्रगलर्स और दूसरे ट्राइंग एक्टर्स के साथ बातें हुई तो रियलाइज हुआ कि इनकी तो मोटिवेशंस ही कुछ और हैं। वैसे बैठ कर बात करते थे यार, वो शाहरुख खान परफ्यूम कौन सा लगाता होगा, एंड कोई जूते कौन से पहनते होंगे, गाड़ी में क्या होगा, घर कैसा होगा, है मुझे इन बातों से कभी फर्क नहीं पड़ा, ना क्यूरियोसिटी ना अभी भी। मेरा मेरा पूरा का पूरा ध्यान और अट्रैक्शन इस बात से है कि वो वाला रोल करने को मिले तो कितना मजा है, अगर मैं वो करता तो कैसे करता, कैसा करता? ये सीन मैं ऐसा करना चाहूँगा, मैं इस रोल के लिए वेट पुट ऑन करता, मुझे उसमें मजा आता है, और उसके बाद क्या होगा नहीं होगा डजंट मैटर। आपने कभी उनको देख के अपने आप को उस चीज में ढालने की कोशिश भी नहीं है? नहीं, इनफैक्ट ग्रोइंग अप इन सीन कोलंबस एंड देन इन निफ्ट इन दिल्ली, मैं काफी वेस्टर्नाइज था, हॉलीवुड सिनेमा और हॉलीवुड ज्यादा देख रहा था, इवन टेलीविजन, वेस्टर्न टेलीविजन कंपेयर टू इंडियन सिनेमा। 90s में वैसे भी कुछ एक हमारा इतना बेस्ट ऑफ सिनेमा नहीं था, राइट तो म्यूजिक अच्छा था, जो गाने अब आजकल रेडियो पे हम सुनते हैं और मजा आता है, बट यू नो वो फिल्म्स मैं इतने एंजॉय नहीं करता था, 80s 90s वाले थोड़ी सी यू नो एक वो था। सो यहाँ जब बॉम्बे आया तो आई स्टार्टेड वॉचिंग ओल्ड फिल्म्स, फिर मैंने अपनी कलेक्शंस बनाई और मैंने खुद के लिए एक फिल्म कोर्स तैयार किया। वाओ, और फिर दैट इज हाउ आई डिस्कवर्ड सम ऑफ द एक्टर्स हियर, एंड आई डिस्कवर्ड कि किसकी किसके अंदर क्या खास बात है, मतलब मेरे हम्बल ऑब्जर्वेशन। ओके, वो कौन सा मोमेंट था जब आप दिल्ली रहते थे, पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सिक्योर जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और मॉम डैड भी यही चाहते थे, मिल भी गई थी, ऑब्वियसली उसको छोड़ कर जाना इस दौर, वो कौन सा मोमेंट था और क्यों डिसाइड क्यों हुआ कि नहीं अब तो करना है, ठीक है बॉम्बे चले गए, आज एक्टर हैं, बहुत बड़े स्टार बन गए, ये सबको पता है, बट वो मोमेंट और दिमाग में किसकी वजह से आया? कॉलेज में जाते ही एक गर्लफ्रेंड बन गई, उनको एंटरटेन करने के लिए कुछ कुछ मैं करता रहता था, मुझे मतलब यू नो जैसे सब लड़के करते हैं, उन्हें उन्हें कुछ एक्टर्स पसंद थे, ओके, तो वो उन एक्टर्स की तरह आपने कोई कोई बात कह दी या उस आवाज़ में कह दी या कोई उनके पसंद की फिल्म का कोई सीन एनएक्ट आउट कर दिया, तो यहाँ से ये एक एक किसी और के सामने कुछ करके दिखाना इस छोटी सी चीज़ से शुरू हुआ। उन्होंने वो देखा और पसंद करना शुरू किया, तो वो पसंद करती थी तो मैं उनको एंटरटेन करने के लिए या रूठी हैं तो मनाने के लिए और करता और ज़्यादा करते थे, तो वो एक लड़के को एक टूल मिल गया ना लड़की पटाने के लिए, तो हम इस्तेमाल कर रहे थे उसका। पर
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे और काम करते रहे, निफ्ट एक काफ़ी इंटेंस कोर्स होता है, वो 3.5 साल एक बहुत मुश्किल हार्डवर्किंग कोर्स है। इनफैक्ट निफ्ट की उस ट्रेनिंग के बाद मुझे हमारे एक्टिंग सेट पर या इवन टेलीविजन सेट्स पर मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। रियली? हाँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हो गई थी कि आप रात रात भर काम करते हैं, आप एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं और आप नींद के आवर्स नहीं गिनते, खाना वाना नहीं देखते, यू गेट यूज टू वर्किंग विद पैशन। करेक्ट। तो बस उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो और जो तुम एक्ट करते हो दैट्स द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। अच्छा, ये उन्होंने बताया? ये उन्होंने बताया। तो मैं, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों कह रही होगी वो, मैं हर चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, व्हाई शी सेइंग। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यू लुक द हैप्पीएस्ट। ओके। तो अब एक आदमी बहुत सारी चीज़ों में अच्छा है तो उसको लगता है मैं ये करता हूँ तो भी मार्क्स आ जाते हैं, ये करता हूँ तो भी तारीफ मिल जाती है, तो उसे अंदाजा नहीं होता। एग्जैक्टली। समटाइम्स यू नीड अनदर पर्सन टू टेल यू कि आप सब अच्छा कर रहे थे पर उसमें से एक चीज़ करते वक्त आपके चेहरे पर नूर ज़्यादा था। करेक्ट। तो वो उनसे सुनने के बाद कहीं उस बात को थोड़ी तवज्जो देनी मैंने शुरू की एंड फिर भी बहुत वक्त लिया। मैं दिल्ली छोड़कर, माँ बाप छोड़कर, ये सब छोड़कर बम्बई हीरो बनने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे वो टैग नहीं चाहिए था। आई वॉन्टेड टू बी श्योर कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ। और कुछ स्टेज किया, कुछ थिएटर किया, तारीफ होनी शुरू हुई। हर पापा की मुझे तारीफ कम सुनाई देती, कम से कम पिछली जनरेशन तक। एंड वो मेरा वो पहला बड़ा थिएटर परफॉर्मेंस देखने आए, श्री फोर्ट स्टेडियम में था, बहुत बड़े लेवल पर। और मैं उनसे मिल नहीं पाया ढंग से परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए। ओ, तो वो मिल नहीं पाए, बट वो नाराज़ नहीं हुए, वो खुश हुए कि मेरा बेटा है, उसने कुछ किया और इतने लोग तारीफ करने तारीफ के लिए मिलने के लिए। ये अभी मोबाइल फ़ोन से पहले का ज़माना है, तो एग्जैक्टली यू नो वो लोग एक्चुअली बात करने के लिए आते थे या ऑटोग्राफ, फोटो वाला नहीं था। सो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप लोग घर पहुँच गए और सब ठीक था, कैसा लगा? तो उन्होंने सिर्फ एक जुमला, एक स्टेटमेंट कही कि गौरव चोपड़ा इज द बेस्ट एक्ट। वाह। तो वो बस वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। ओके। वो पापा के मुंह से वो सुनना, तो मुझे लगा हाँ फिर मैं सचमुच कुछ तो करता हूँ, ठीक ठाक से बेटर ही होऊंगा कि वो ऐसा कह रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स तो उन्होंने ये कह दिया। तो थोड़ा फिर उसके बाद कुछ दोस्तों की और मदद ली और उन्हें बड़ी मुश्किल से मना के समझा के वो बिल्कुल खुश नहीं थे, यहाँ आया। एंड देन गॉड इज बीन काइंड। अच्छा, ये क्रेडिट पापा को तो ऑब्वियसली, माँ बाप को तो हमेशा ही जाता है, बट उस लड़की को भी देना चाहिए। ऑफ कोर्स, मैं इसीलिए उनका एक मैसेज दे दें अगर वो सुन रही हो कहीं पर। ये वो मैसेज देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शी इज इन टच विद यू? नहीं, वी आर नॉट रियली इन टच, बट मतलब मैं अपनी हर इंटरव्यू में ये बात बेखटके कह देता हूँ, बिकॉज आई फील लाइक अगर वो मुझे उस स्टेज पर ये बात ना कहती तो मैं नहीं करता। आई वॉज टू इंटेलिजेंट फॉर माई ओन गुड। वाह। सी, समटाइम्स इंटेलिजेंस इज अ बैड थिंग because you can think of many things. Absolutely. Sometimes वो एक चीज, एक सिंपल माइंड सोच पाता है या किसी दूसरे के मुँह से वो सुनकर आपको खट सीधा वो फिट हो जाती है कि हाँ ये करेक्ट। राइट। वेन यू आर एनालाइजिंग, आप अपनी इंटेलिजेंस में उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स और वो निकालते हो। तो शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल एंड शी हेल्प्ड लॉट। सो आज अगर मैं एक्टर हूँ या कुछ भी हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी, बहुत बढ़िया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। क्या बात है। मतलब और ये क्रेडिट उन्हें मिलना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफी अगर कभी लिखूंगा तो वहाँ मेंशन भी कर देंगे आप उनका नाम। मैं यहाँ पे भले ही नाम मेंशन ना करें मगर वहाँ जरूर कीजिएगा। कर दूँगा। ओके। तो बॉम्बे पहुँच गए। अब बॉम्बे में, बॉम्बे की लाइफ, बॉम्बे की स्ट्रगल तो मतलब एक अलग ही है, उसका मज़ा भी है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या गौरव ने भी वही स्ट्रगल फेस की या फिर जाते ही ब्रेक मिल गया, और वो सबसे पहला ब्रेक कौन सा था और कितने टाइम बाद मिला? नहीं, इतना आसान तो नहीं था, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने वही स्ट्रगल की। मैंने वही स्ट्रगल नहीं की क्योंकि मैं वही स्ट्रगलर नहीं हूँ और था भी नहीं। ये जो मेरी अप्रोच थी जो मैंने आपको पहले बताई, उसमें वो स्ट्रगल जैसा फील नहीं होता था। करेक्ट। भाई आज जैसे लोग स्टार्टअप्स करते हैं और इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, कुछ वैसा लग रहा है वो। इट वॉज़ अ प्रोफेशनल एफर्ट। मैंने घर वालों से पैसे नहीं लिया था, मैं अपने पैसे से आया, दोस्तों की मदद,
से वहाँ पे रहने लगा, वहाँ कुछ दोस्त बने, साथ में जिम जाने लगे, एक लाइफ का पैटर्न सेट हुआ। आप इतने बजे उठते हैं, जिम जाते हैं, फिर कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जिम जाते हैं। मैं दिन में दो बार जिम जाया करता था। अच्छा। जिस दिन जिम में सो तो रात को सोने से पहले 20 मिनट 25 मिनट सुबह उठने के बाद, वो एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ थी मेरी। आई नेवर यहाँ आया, पूरी फ्रीडम थी, लड़कों के साथ आप रह रहे थे। कितने लड़के एक साथ रहते थे? क्योंकि बॉम्बे का ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। शुरुआती दो थे, फिर तीन हो गए, फिर तीन हो गए, पर वो घर भी बड़ा हो गया, तो मैक्सिमम कितने हैं? तीन, बस तीन से ज्यादा नहीं हुए। पर वो एक फाइनली जो सबसे ज्यादा वक्त बिताया, जहां वहां पे एक हमारा फ्लैट था जिसमें तीन और एक सामने वाले में भी दो या तीन, तो वो कुल मिला के 5-6 लड़कों का ऐसे ग्रुप बन गया आने जाने वाला। ओके। और वहां पे यू नो मजेदार बहुत सारी बातें होती थी। बिल्कुल ऑफ द टॉपिक है, मुझे अचानक याद आ गई कि वो एक बार कुछ रात के 12:30-12 बजे कुछ दो लड़कियां दरवाजे पे थी और बेल बजाएंगी, और मैंने खोला और वो मैंने मुझे देखा, बोला सॉरी यहाँ यहाँ राहुल है? और मैंने बोला नहीं सॉरी यहाँ कोई राहुल नहीं है। ओ थैंक यू बाय बाय। अब वो बड़ी मुस्करा के चली गई। कौन है? तो मैंने उसको गार्ड को फ़ोन किया कि भैया तुमने किसको भेज दिया ऊपर? तो उसने बोला वो आपके घर नहीं जा रही थी? मैंने बोला नहीं। दो यंग लड़की आई तो मुझे लगा आप ही के घर जा रही, तो मैंने उन्हें, क्योंकि वो ऐसा वक्त था। एग्जैक्टली। सो इसको यंग ब्लड, इसको जो समझना है वो समझ। एग्जैक्टली, एवरीबॉडी इज यंग, सो लोगों को लगता है। अच्छा, तो मतलब वो आप समझ लीजिए कि वो कैसा वक्त था। वेरी नाइस। मतलब वो सबके साथ एक दौर गुजरता है, दौर था, पर उसमें यू नो मेरा मैक्स ना, आई नेवर स्टार्टेड ड्रिंकिंग, आई नेवर स्टार्टेड स्मोकिंग, आई नेवर स्टार्टेड डूइंग एनीथिंग एल्स। ये वो दौर था जहाँ पे मैं आराम से कर सकता था, बिकॉज पूरी फ्रीडम थी। एब्सोल्युटली। नहीं किया, और ना ही मुझे किसी और के करने से तकलीफ थी। पार्टी वंस इन अ व्हाइल, हमारा शौक था मिलके फिल्म्स देखना। मैंने वो जो कहा, मैंने एक अपना फिल्म कोर्स बनाया, तो मैंने एक फिल्म की कलेक्शन बनानी शुरू की, हिंदी इंग्लिश VCDs, DVDs, करेक्ट, ब्लू रे डिस्क्स, वो अभी तक है मेरे पास सारी। अच्छा, वो अभी तक मैंने फेंकी नहीं, बड़ी मेहनत से बनाई है वो कलेक्शन, अभी मिलेगी नहीं। अब इंटरनेट पर ढूंढने जाओगे, नेटफ्लिक्स पर देखने जाओगे, तो यू डोंट फाइंड दोस फिल्म्स। एग्जैक्टली। तो मेरे पास एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की ऐसी पूरी पूरी यू नो सेट्स और कलेक्शन है, और हम लोग ना ऐसे एक्साइटमेंट में कि कल ये देखते हैं। अच्छा। और अब रात को एक्साइटेड हैं कि कल सुबह ये देखनी है, और सुबह उस टाइम पर सब एक घर में बैठकर अच्छा सा होम थिएटर सिस्टम चलाकर, लाइट्स ऑफ करके, पर्दे बंद करके, एक वो फिल्म को देखेंगे, पॉज करके डिबेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बारे में वो डिस्कशन चलता रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आई थिंक उस वक्त फ्रीडम के बावजूद एक डिसिप्लिन कभी टूटा नहीं। अच्छा गौरव भाई, ये बताओ कितना इम्पोर्टेंट होता है कि एक माइंडसेट के दोस्तों का होना, लाइक जब आप स्ट्रगल कर रहे हो। एक्चुअली इम्पोर्टेंट होता है कि ना हो ऐसा। हाँ, बिकॉज आई थिंक जितनी कम उम्र में आप ये बात समझ जाएं कि दुनिया आप नहीं हो, ना ही आप जैसों की है, करेक्ट, खासकर इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, एक मेरी दुनिया है। राइट। अभी फिल्म की प्रमोशन में ये बात रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल रही है, क्योंकि हम एक मुद्दा लेकर आए हैं, लोग उस मुद्दे के ऊपर अपने हिसाब से राय देते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कभार हीटेड डिबेट शुरू हो जाती है, क्योंकि जर्नलिस्ट की भी अपनी बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है उस बारे में। एब्सोल्युटली। मुद्दा भी स्ट्रांग है, तो इसलिए बात निकलती है, हम इनकरेज भी करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बात हो। तो उसमें मैं उनको एक बात समझाता हूँ कि भाई ये फिल्म फॉर एग्जाम्पल मैरिटल रेप के बारे में है, और जो मेरी जिंदगी है, दिल्ली में पला बड़ा एक लड़का ऑल बॉय स्कूल में 90s के वक्त, जब बहुत डिफरेंट माहौल था, मैं दूर दूर तक भी किसी रेपिस्ट को नहीं जानता, मैं किसी रेप विक्टिम को भी नहीं जानता, मैं किसी की दोस्त, किसी की बहन, किसी की कज़न, किसी का पड़ोसी, मैं किसी को नहीं जानता जिसने रेप किया हो या जिसका रेप हुआ हो। ये तो नॉर्मल रेप की बात बता रहा। करेक्ट। एंड येट हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हम कॉन्स्टेंटली ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत होता है। तो ये क्या है? क्या आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। करेक्ट। सो यू ऑलवेज हैव टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ये मेरी जिंदगी है और मेरे आसपास ऐसा नहीं। तो हम एक फिल्म लेकर आए जो मैरिटल रेप के बारे में है, और मेरी जिंदगी में मैरिटल रेप तो छोड़िए, आसपास के कपल्स में आप एक ही बात सुनते हैं कि वाइफ बोलती है द हस्बैंड डजंट हैव सेक्स विद मी इनफ। दैट्स व्हाट वी हियर।
करेक्ट ऑल द टाइम. तो सोचिए कि बट एक वो रियलिटी भी होती है. और ये इस बात का एहसास आपकी जिंदगी में जितनी जल्दी हो जाए आप उतने बेहतर एक्टर बन जाएंगे, बिकॉज अदरवाइज अननोइंगली आप सिर्फ अपनी दुनिया की परफॉर्मेंस कर पाएंगे. मैं कभी अपने दायरे से बाहर का कैरेक्टर नहीं प्ले कर पाएंगे. तो अभी ये जो विवेक अग्निहोत्री मैंने प्ले किया इसमें, वो मैं कभी प्ले नहीं कर पाता अगर मेरा बहुत जल्दी ये रियलाइजेशन नहीं होता दैट जो मैं देखता हूँ वो मैं देखता हूँ, ये मेरा टेस्ट, मेरी ओपिनियन, करेक्ट, मेरी सराउंडिंग. टेलीविजन जब शुरू किया तो भी सबसे पहला लेसन यही था. अब पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे, सोफिस्टिकेटेड बैकग्राउंड से थे, स्कूल सेंट कोलंबस भी वैसा था, कॉलेज में भी बहुत अच्छी आर्टिस्टिक चीज़ें सीखी थी. तो जब हम रोल्स करने लगते थे तो मैं उनमें वो चीज़ें इम्प्रोवाइज करता था, डालता था. पर मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई कि वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अच्छे टेस्ट की बात मैं डाल रहा हूँ अपने, वो ऑडियंस का टेस्ट नहीं है, वो मेरा है. एग्जैक्टली. मैं ऑडियंस नहीं हूँ तो ये मेरे टेस्ट की नहीं होनी चाहिए, ये उनके टेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए. तो मैं थोड़ा पागल हूँ फिर मतलब मैं सोनी पे रात के 9 बजे अलग लहजे में बात की है और जी पे अलग और स्टार पे अलग, और ये बातें किसी को पता नहीं है कि अच्छा आप ये भी सोचते हो कौन सा कैरेक्टर कितनी इंग्लिश में बात करता है, उसकी इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सेंट है, सोफिस्टिकेशन है, नहीं है, वो बिल्कुल इंडियन एक्सेंट है, वो कौन सा वर्ड बोलता है, कितनी इंग्लिश बोलता है या नहीं बोलता. अच्छा, आपने ऐसा किया है? मतलब ऑफकोर्स हर रोल में. ओके. बिकॉज आप जिस एग्जैक्ट तबके के लिए ये बना रहे हैं ना, उसके लिए या तो वो रिलेटेबल है या नहीं है. मैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्टाइल मार रहा हूँ डजंट मीन कि इसको पसंद आएगा. ये स्टाइल उसके हिसाब का होना चाहिए. तो मेरे बाल लंबे हैं कि छोटे हैं, ये आवाज इतने बेस वाली है या ऐसी है. हाँ. विवेक के लिए अलग आवाज है, गदर के लिए अलग आवाज है, राणा नायडू के लिए अलग आवाज है. आपकी उस बेस वाली पसंद की हुई आवाज में भी आपको हर कैरेक्टर के लिए एक अलग सुर ढूंढना होता है. एब्सोल्युटली. तो वो उसी में मजा है. थोड़ा ऑफ ट्रैक में चला गया बट राणा नायडू में 20 दिन लगे थे मुझे उसकी हंसी इन्वेंट करने के लिए, क्योंकि उसके हंसी वाले मोमेंट्स जो हैं वो तब हैं जब वो अंदर से उसकी जिंदगी कलैप्स कर गई है. उसको लग रहा है आई एम ओवर, दिस इज ओवर, मैं इस देश का सबसे बड़ा स्टार हूं एंड माई लाइफ इज ओवर, मैं कल बर्बाद हो जाऊंगा, ये रात मेरी आखिरी रात है. डेमो हो जाए. हाँ, तो वो हंसी कैसी होगी फिर, क्योंकि वो इतनी सारी डिस्ट्रक्शन को कवर अप करने वाली है. एक दिन दो दिन रिकॉर्ड करके सुनता रहता था, कभी वीडियो कभी ऑडियो, कि वो सुनने में ऐसी लगनी चाहिए कि हंस रहा है बट पागल हो गया है. और अंदर से तो उसकी लग गई है बिल्कुल. तो वो 20 दिन के बाद जो हंसी फाइनली इन्वेंट हुई वो कुछ वो ऐसी थी. ओके. जो बिल्कुल मेरी नॉर्मल आवाज या हंसी वाली हंसी नहीं थी. वो इसीलिए बिकॉज वो ऐसे बात करते करते जब उस हंसी पे चला जाता है तो वो इट्स ही स्नैपिंग. तो वो दीज आर थिंग्स जो आप करते हो, ये इसके लिए ये इम्प्रोवाइजेशन इज वेरी. हाँ, मतलब ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है. ये इसलिए नहीं कि इसके लिए मुझे अवार्ड मिलेगा. करेक्ट. ये इसलिए कि मुझे मजा आता है. मजा है. और अगर मुझे ये मजा नहीं करना होता तो फिर मैं वो दिल्ली में रह के 9 to 5 ही कर लेता ना. एब्सोल्युटली. इस मजे के पीछे ही तो यहाँ आ गया, तो फिर वो मजा नहीं छोड़ता मैं. अच्छा, एक बात बताइए कि चलो बॉम्बे का सफर चल रहा था, बहुत बढ़िया स्ट्रगल चल रही थी अपने स्टाइल में, बिजनेस डील हो रही थी, प्रोजेक्ट लेके जा रहे थे. कास्टिंग काउच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नाम आता है. और ये ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द एक्टर हैज बीन गोइंग थ्रू. क्या इसमें इतनी सच्चाई है? आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ? हर एक के साथ होता है और हर जेंडर में होता है. और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे कास्टिंग काउच की बात हो चाहे नेपोटिज्म की बात हो, कि इसके बारे में शोर मचाना बंद कीजिए और बात को समझिए. हर जगह होती है, हर उस पेशे में या हर उस जॉब पर जहाँ पर स्टेक्स हाई है, जहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, पावर, पैसा, फेम, वहाँ पर ये हो गई, आपको वो कीमत अदा करनी पड़ेगी उस बड़े चांस के लिए. कोई आपको क्यों दे देगा, उससे भी किसी ने मांगा था. और ये दुनिया का चलन है, हर प्रोफेशन, हर बिजनेस, हर गवर्नमेंट ऑफिस, पॉलिटिक्स का नहीं होता. आपको जो अगर आपको बड़ा दाव नहीं खेलेंगे तो बड़ी लॉटरी नहीं जीतेंगे. इट्स अ बेसिक थिंग. आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस. आई एम सेइंग ऐसा है, इसको एक्सेप्ट तो करके चलना चाहिए ना आपको. एक प्रोड्यूसर किसी एक्टर के बेटे को रोल दे देता है, मुझे नहीं देता, या
किसी फिल्म में या किसी प्रोजेक्ट में मैं सो कॉल्ड टीवी से आया हूँ तो मेरी मेरी होर्डिंग्स हटा दी जाती हैं, अभी भी होता है। तो ये मैं विक्टिम हूँ इसका, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ यही सिस्टम है, पहले से यही है। हाँ, हमको बदलना चाहिए, बट इसके बारे में रोने धोगे, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये इट्स नॉट लाइक, अच्छा फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसा करते हैं और बाकी नहीं करते। कास्टिंग काउच या स्लीपिंग फॉर वर्क या अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने किसी और तरीके से फेवर करके ऊपर जाना, जो पावरफुल है वो आपको दबाने की कोशिश करेगा, जिसको जो मौका चाहिए वो कुछ ना कुछ देकर वो मौका मांगेगा। ये बेसिक नेचर का लॉ है। आप सिस्टम में घुस के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, बाहर से पत्थर मार के कुछ नहीं होता। आपकी इसी बात के ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट आई थी प्रियंका चोपड़ा की, जिसमें उन्होंने बोला वहां जाके कि अब वो हॉलीवुड को, आई मीन ऑब्वियसली वहां काम करी, तो उन्होंने बोला कि मैं जब बॉलीवुड में काम करती थी मुझे बहुत ज्यादा साइडलाइन किया गया, मुझे बहुत ज्यादा दबाया जाता था, इसलिए मैंने छोड़ा। Is that true? I don't know about her. I mean, only she can say. It happens to everybody. So, मतलब आपके साथ भी ऐसा? Yeah, it happens to everybody. आपकी स्टेज पर, आपके लेवल पर होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्टर रही हैं। तो struggling स्टेज पर, struggling लेवल पर होता है। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, आपका अपना टेम्परमेंट कैसा है। अब जैसे मैंने कहा that you have to accept it. तो मेरी शूट है एक होर्डिंग के लिए, जो एक बहुत बड़ा शो आने वाला है। मेरे स्टाइलिस्ट के साथ कपड़े सेलेक्ट हो गए, उसने कपड़े डिलीवर कर दिए, उसकी पेमेंट हो गई, मेरे मेकअप वाले को एडवांस, मेरे हेयर वाले को सेट कर दिया गया है, ड्राइवर गाड़ी सब सेट है। रात को 12:30 बजे कॉल आती है कि कल की शूट पोस्टपोन्ड है। तो बोलते ठीक है, पर वो शूट कभी होती नहीं। ओ, तो वो होर्डिंग का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, जो आपके प्रोमो है वो दिखाई नहीं जाते। ये बहुत होता है, हर स्टेज पर होता है। द बिगर वन विल नॉट लेट द स्मॉलर वन कम अप। आप राजा कैसे बने रहेंगे? आप दूसरे को ऊपर नहीं आने देंगे तभी ना। आप किसी को ऊपर अपनी बराबरी पर आने देंगे तो वो कोई ना कोई तो आपकी जगह ले लेगा। Absolutely. तो इसमें कोई गलत या सही बात नहीं है, इसमें मोरालिटी का सवाल ही नहीं है। वो प्रोड्यूसर जो किसी बेटे को, किसी के बेटे को नौकरी देता है, वो अपना पैसा लगा रहा है, तुमको क्या है? Exactly. उसका पैसा वो डिसाइड करेगा। अगर मेरे प्रोड्यूसर को मुझे होर्डिंग पे नहीं रखना है, किसी और को रखना है, इट्स हिज डिसीजन। राइट, मैं बुरा फील कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि मेरे साथ अनफेयर हो गया, बट मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। इट्स हिज प्रोजेक्ट, हिज मनी। ओके, ही डिसाइड्स। मतलब आज भी लाइक इतना बड़े लेवल पर काम करने के बाद भी आप इस बात का ऑफेंड नहीं करते? बुरा नहीं, बुरा लगता है बस अपने अंदर। तो मैं उसको अंदर से रहकर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। फिर अगले प्रोजेक्ट में मैं वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने लोगों के साथ वो बात पहले से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको मैनिपुलेटेड तरीके से छुपा छुपा के, घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है। हम स्ट्रेट अवे एक दूसरे से ये बात कर सकते हैं। देयर आर वेज ऑफ डीलिंग विद दिस व्हेन यू एक्सेप्ट इट। करेक्ट। अदरवाइज किसी इंटरव्यू में बैठ के कंप्लेन करना आसान है। एब्सोल्युटली। अच्छा ये बताइए, आपको अभी गदर से पर्सनली मतलब इतना बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई है जो लोगों ने सोचा भी नहीं था, इससे आपको पर्सनली कितना फायदा हुआ? कहना मुश्किल है कितना फायदा हुआ, बट ऑफ कोर्स आपकी एक ओवरऑल पहचान, आपकी आपको पसंद करने वालों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। आप जहाँ जाते हैं, कल किसी एक इवेंट में गए थे किसी मॉल में, वहाँ दो छोटे बच्चे थे, वो उनके पेरेंट्स उनको बोलते जाओ जाओ फोटो खिंचाओ, तो वो भागते भागते आए स्टेज पर, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखा जय हिंद। Wow. अभी उनको, उन्होंने मुझे अभी लास्ट उस फिल्म में देखा, देशभक्त प्रोटेक्टर का रोल निभाते, तो अब उनकी वही वाइब है। दिस इज व्हाट हैपेंस। आई मीन यू नो यू हैव टू डू दीस थिंग्स, एंड ये नहीं सोचना चाहिए ज्यादा, अरे इस फिल्म का इतना हो गया, मेरा क्या हो गया। हाँ, कुछ स्क्रिप्ट्स आ गई, अब आप उन स्क्रिप्ट्स में से चुन रहे हैं। क्या मैं कहूँगा कि ये गदर की वजह से आई? यस, पर ये कंबाइंड इफेक्ट होता है आपकी जर्नी का। Exactly. कि आपको इतने साल से देखा, आपको पसंद किया, अब आपको गदर में देखा तो मुझे लगा अब ये टाइम है, अभी गौरव चोपड़ा को ऑफर करना चाहिए। तो वो समटाइम्स एक चीज आपकी लाइफ में कैटलिस्ट बन के आती है, वो सोलो रीजन नहीं होती, बट वो एक दौर, एक वक्त की शुरुआत बन के आती है कि अच्छा समथिंग्स आर अबाउट टू चेंज। आप अभी इस ग्राफ पे थे, अब वो ग्राफ चेंज होने वाला है, तो एक कोई एक बहाना बनना चाहिए ताकि ग्राफ चेंज। अच्छा एक कोई गदर का, आपकी जो अभी जबरदस्त मूवी गई है, वैसे तो बहुत सब कुछ अब आपने बहुत बड़ा बड़ा किया है, मैं चाहता हूँ उसका एक बहुत फेमस कोई डायलॉग आप सुना दें जो आपको भी फेवरेट हो। बहुत सारे हैं यार, आपका फेवरेट होना चाहिए, मतलब टॉप वन। क्लाइमैक्स में
दो डायलॉग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए कि एक तो मैंने वो बनाए थे, ये किसी को पता नहीं, जो मैंने बनाया था वो फिल्म में है, जो फिल्म में ओरिजिनल डायलॉग था वो नहीं है। अच्छा। तो ये मज़ा है हम एक्टर्स का, जो ओरिजिनल क्लाइमैक्स था जो लिखा गया वो एक्चुअली फिल्म में नहीं है, वो नहीं है, और जो मैंने इम्प्रोवाइज किया था सीन में वो है। अच्छा, तो अब मैं कौन सा सुनाऊँ पता आप नहीं। आप मुझे जो पहले नहीं है वो तो नॉर्मल बता दें, फिर जो आपने किया वो मुझे एक बार डायलॉग बोल के उसी जोन में। फिल्म के एंड में मैं आता हूँ, पाकिस्तान के जनरल हैं वो, कुछ नौटंकी करके बचने की कोशिश करते हैं, उनको बता देता हूँ कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ सॉर्ट आउट कर लो वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी। एंड देन आई शूट हिम, तो विलन को हमने मार दिया। अब कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स बचे हैं, तो कर्नल रावत उन सोल्जर्स के पास जाते हैं, उनको देखते हैं। अब वो थोड़े डरे हैं क्योंकि हमारे जनरल को मार दिया, और वो उनको कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जनरल की बेवकूफ़ियों का भुगतान तुम्हारे परिवार को करना पड़े, तो जाइए वापस अपने देश अपने परिवार के पास, पड़ोसी हैं तो पड़ोसी की तरह रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपका भूगोल बदलना पड़े। और ये कह के वो मुड़ते हैं। अभी 1971 वाली वॉर है जहाँ इसके बाद बांग्लादेश बना, उनका मैप चेंज हुआ, तो ये इस डायलॉग का एक बड़ा इम्पैक्ट था। क्लाइमैक्स का लास्ट डायलॉग ये है कि इंडिया की तरह से कहा जाता है कि पड़ोसी हैं पड़ोसी की तरह रहिए, वरना ऐसा ना हो कि हमें आपका भूगोल बदलना पड़े। तो बड़ी बात थी, डरा हुआ था मैं कहते हुए, बट कहा। अब वो फिल्म में नहीं। जो दूसरा डायलॉग है वो उससे पहले वो पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं वो कह रहे हैं कि मुझे प्रिजनर ऑफ वॉर ले लो, वो बचना चाहते हैं पूरी सिचुएशन से। तो वहाँ वो पूरा डायलॉग है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक जंग शुरू नहीं हुई, वरना मेरी और आपकी मुलाकात यहाँ नहीं, वहाँ लाहौर में हो रही होती। और वहाँ जनरल साहब, ये जो आपकी गर्दन है ये कर्नल रावत के हाथों में होती, मैं 2 मिनट के लिए मुंह मोड़ूंगा और आप तारा सिंह के साथ अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे जनरल साहब। वाह, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि अमिताभ बच्चन जी, आप बचपन से मतलब उनको पसंद करते थे, या आवाज़ का ये गॉड गिफ्ट है, या उनको कॉपी करते करते आपने ये ऐसी बना? ऐसे कैसे होता है? मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो मिमिक्री कर लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें निकाल लेते हैं। सब हमारी आवाज़ ही ऐसी है, तो हम क्या करें इस बात का। हाँ ऑफकोर्स, एज यू ग्रो ओल्डर वो थोड़ी और भारी होती जाती है। एग्जैक्टली, बट शुरू से ही ऐसी थी। नहीं, इसके लिए कोई, जैसे अब गाना गाते हैं जो लोग, वो रियाज करते हैं? नहीं, ऐसा ठीक है। तो इस आवाज के लिए भी आपने कोई प्रैक्टिस की है? कुछ नहीं। इनफैक्ट अगर आप दोस्त हैं तो ये सीक्रेट आज मैं खोल देता हूँ कि अगर मैं एक्चुअली किसी को थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ तो वो एक्चुअली दिलीप साहब हैं। ओह। अब प्रॉब्लम ये है कि इस आवाज में जब आप दिलीप साहब को कॉपी करते हैं तो वो बच्चन साहब जैसा साउंड करता है, क्योंकि एक्चुअली बच्चन साहब दिलीप साहब जैसा करते हैं। ओके। ये बात समझाना मुश्किल है। मैं समझ गया आपको। तो एक्चुअली बच्चन साहब दिलीप साहब के स्कूल के परफॉर्मर हैं। करेक्ट। और अगर आप दिलीप साहब जैसा करेंगे तो अगर आपकी भाई वहां जाके उसको कह दो, उसको जाके ऐसा बताना मैंने ऐसा कहा था, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं सोच रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये करूंगा, हाँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा पर तुमको जाते जाते ये बता के जाऊंगा, सुन लो मेरी बात। दिस इज व्हाट दिलीप साहब डज। करेक्ट। ओके, द सेम थिंग बच्चन साहब डज, बट उनकी आवाज एक कंधा ऊपर है। द सेम, इट्स द सेम हैंड, ये जो हाथ है जाके उनको बताना, और भाई, और ये, इट्स द सेम हैंड एक्सेप्ट द इज टॉलर and this one shoulder, then he's like this, and then it's his voice, it sounds different. So what happens is that these are schools of performance. अच्छा दिलीप साहब की तो आपने बता दी, यही स्टाइल यही डायलॉग अमिताभ जी। अब ये मैंने ऐसी कुछ बकबक कर दी। अच्छा वो बकबक नहीं, मैं सोचा आप डायलॉग थोड़ी इम्प्रोवाइज कर रहे थे, जबरदस्त डायलॉग थोड़ी ऐसी। बच्चन साहब तो मतलब यू नो इट्स वेरी इजी, मेरी आवाज में वो मॉड्यूलेशन में वो बहुत ही आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ही हैज अ वेरी, अगर आप ऑब्जर्व करें इन एक्टर्स को तो आपको समझ में आता है कि कौन सा एक्टर किस किस स्कूल का है। एग्जैक्टली। तो जिस तरह हमारे यहाँ दिलीप साहब और बच्चन साहब थे, वेस्ट में मार्लन ब्रांडो और अल पचिनो थे, और अगर आप बच्चन साहब और पचिनो की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बहुत सिमिलर है बहुत सारी फिल्म्स में। अगर आप स्कारफेस देखें और फिर अग्निपथ देखें तो बहुत जगह तो अनकैनी है।
अच्छा, और वो काफी अमेजिंग बात है बिकॉज आई डोंट थिंक कोई किसी को जानबूझ के देख कर कर रहा था, इट्स जस्ट सिमिलर. एग्जैक्टली. तो स्कूल्स ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे शाहरुख खान के आने के बाद एक शाहरुख खान स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस है, एक पूरी जनरेशन ऑफ टीवी एक्टर्स है जो ये करते करते ही इवेपोरेट हो गई. करेक्ट. और इमोशनल सीन करते करते उनका सिर हिलने ही लगता था क्योंकि ये शाहरुख खान साहब का असर था. इवन इफ आई मे से सो, विद इन फिल्म्स देयर वाज दिस होल सॉर्ट ऑफ डेकेड, टू डेकेड्स ऑफ सो मेनी एक्टर्स, immediately emotional scene and romantic scene you would see a Shah Rukh Khan kind of performance because that's the impact he had. To har daur mein koi actor aate hain jinka aisa asar hota hai and then it becomes like a landmark thing. Ab agar koi daru wala scene karna ho, ab agar koi bilkul angry young man wala scene karna ho, ab agar kisi ko aise straight face wali dhamki deni ho, Bachchan sahab ne ye itni sari filmon mein aisa thappa laga diya hai in cheezon par ki the moment ek lamba sa ladka थोड़ी सी भी आवाज में करेगा वो कहीं नहीं जा सकता. सो ना मैं उस चीज से बचता हूँ, ना मैं उस चीज को करने की कोशिश करता हूँ. मुझे जैसा उस रोल उस डायलॉग के लिए लगता है मैं करता हूँ. अगर कंपैरिजन मेरा उनसे होने वाला है तो थैंक यू वेरी मच, बट अगर मेरा कंपैरिजन उनसे ना हो तो मैं ज्यादा खुश हूँ. अच्छा, ज्यादा खुश है बिकॉज यार आप यू नो आप कहाँ जाएंगे वो यू नो यू जस्ट गेट खुशी तो होती है ना, बट आप कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ कंपैरिजन होता है तो थैंक यू, बट अगर ना हो तो मैं कम से कम 6 feet 1 inch पे रहूंगा. उनके साथ कंपैरिजन होता है तो मैं बिल्कुल ऐसा बौना हो जाता. अच्छा, मैं समझ गया आप कहाँ कहना चाह रहे हैं. मतलब कोई डायलॉग अभी जैसे ये मैंने आपको गदर का क्लाइमैक्स वाला डायलॉग सुनाया, ये काफ़ी हाई वॉल्यूम पे था फिल्म में और काफ़ी इंटेंसिटी के साथ था, बिल्कुल भी बच्चन साहब वाले सुर में नहीं था. तो कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा. राणा नायडू देखकर कुछ लोगों ने कहा यार तुम सुपरस्टार एक्टर प्ले कर रहे थे पर इसमें बिल्कुल बच्चन साहब की झलक नहीं थी. या कुछ लोगों को गदर में अदरवाइज आवाज़ में उनको ऐसा लगा कि यार मुझे एक यंग बच्चन साहब वाली ना ऐसा आवाज़ सुनाई दे रही थी सिनेमा हॉल में. उनको किसी सीन में झलक नहीं लगी बट उनको ओवरऑल आवाज़ अच्छी लगी. तो इट्स आप वैसा रोल करेंगे तो वो थोड़ा वैसा लगेगा बिकॉज कुछ कुछ आपकी मैन्युफैक्चरिंग में सी है, आप उसी स्कूल के हैं, बट वो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है. आप मुझे एक मंदिर वाला सीन दे देंगे कि मैं भगवान के सामने बोल रहा हूँ, जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ क्योंकि कोई मौका नहीं छोड़ता. आपको जानबूझ के ऐसे सीन लिख के दिए जाते हैं, ऑडियंस को लगता है कि अच्छा आप अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, आपको सीन ही वैसे बना कर देते हैं क्योंकि वो फायदा उठाना चाहते हैं. उनके पास सेट पर एक अपना अमिताभ बच्चन है, वो क्यों छोड़ेंगे. करेक्ट. तो सोचिए कि एक यंग एक्टर ने अपने शुरुआती दौर में 10 बार आज खुश तो बहुत होगे तुम कर लिया, बिकॉज भाई उन्हें मिल गया एक आदमी जो खड़े होकर ऐसे करता है. बट आई ऑलवेज टेकन इट एज अ चैलेंज. The great thing with Mr. Bachchan is that he is still working. Correct. Even at this age. And still working with so much passion. So, wo abhi tak apne landmarks or standards set kar rahe hain. Kahin by chance, unhone, you know, retirement le li hoti ya whatever. To shayad ye comparison kam hota. Correct. But, mujhe us comparison se, wo ek, I remember Big Boss mein main tha, and Vidya Balan aayi, aur unhone kuch pucha mujhse. और उन्होंने मुझे माइक दिया और मैंने माइक लेके ऐसे जवाब देना शुरू किया और मैंने जवाब देना शुरू किया और बोला अरे वाह हमारे टीवी के अमिताभ बच्चन. और मैं इतना शर्मिंदा हुआ क्योंकि मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई. मैं जो जवाब दे रहा था वो जवाब की कोई वो जवाब सुना ही नहीं किसी ने, मतलब मैंने क्या कहा वाजंट इम्पॉर्टेंट. तो मैं बाद में बोला था प्लीज़ ऐसा मत कहिए. इट्स नॉट बिकॉज उस नाम के साथ मेरा नाम जुड़ना इज़ एन ऑनर. But I also get dwarfed in the process. I know, sometimes it's happening. It's, you know, आप छोटे हो जाते हैं उसमें. तो अगर वैसा कोई रोल आप करें और वो झलक दिखे तो वो आई थिंक एडवांटेज है क्योंकि वो लैंडमार्क सीन्स हैं. बट अगर वैसा रोल नहीं है तो फिर झलक नहीं होनी चाहिए. एंड आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि ना. आपने भी बिग बॉस की बात करी है तो बिग बॉस में एक कॉन्ट्रोवर्सी और एक आपका एक स्टेटमेंट था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा था उस टाइम में स्वामी ओम के द्वारा. मतलब इस बात में क्या रियलिटी क्या नहीं, मैं ये नहीं कहा कि ब्लैक मैजिक किया जा रहा था. मैं कह रहा था वो ऐसा करते हैं. ओके. और वो कर रहे थे जो आप लोगों को दिखाया नहीं जा रहा था. ओके.
वहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. मेरा वाला सीजन एक्चुअली बहुत ही रॉन्ग सीजन टू गो. वो एक्सपेरिमेंट सीजन था जहाँ सेलिब्रिटीज से वो मूविंग टूवर्ड्स कॉमनर्स करना चाह रहे थे, क्योंकि इट वुड बी इजी फॉर देम टू मेक अ शो विद रेगुलर पीपल. करेक्ट. पैसे नहीं देने पड़ेंगे, नखरे नहीं होंगे, लोग खुद आके ऑडिशन देते हैं, इट्स ईजी. हमारे तो नखरे हैं हर चीज़ में. सो यू नो वो ये चाहते थे कि ये एक हम एक्सपेरिमेंट वाला सीजन करें, इसमें इन सेलिब्रिटीज़ को हरा के कॉमन वाले जीत जाएं, और फिर उसके बाद अगला सीजन हम कॉमन वाला करें जो उन्होंने किया. करेक्ट. वो चाह रहे थे कि वैसा उनका सिस्टम हो जाए, पर वो जब चला नहीं तो उन्होंने वापस सेलिब्रिटीज़ पे आ गए. हमारा वाला वो सीज़न था जहाँ आप इस्तेमाल हो गए, ऑडियंस को दिखाया ही नहीं गया. अच्छा. जब बाहर आके मैंने बाद में देखा, शुरू में तो देखा भी नहीं था काफ़ी साल, जब बाद में देखा तो मुझे रियलाइज हुआ अच्छा इसीलिए लोग ऐसा कह रहे थे, उन्हें बताते ही नहीं, दिखाते ही नहीं. और ऐसा नहीं कि आप कुछ छोटा मोटा कर रहे हैं जो नहीं दिखा रहे हैं, झगड़े, प्यार, मजाक, रोमांस, मतलब सब हो रहा है ऑन दी अदर साइड, और यहाँ वो एपिसोड के 45 मिनट में आता ही नहीं. एग्जैक्टली. तो वो ऑफ कोर्स आके कहेंगे फिर कि अच्छा ये ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं आपसे. फिर इसीलिए शायद उस तरीके से निकालना भी उनके लिए ज़रूरी था, 12 साढ़े 12 हफ्ते में ऐसे ही मिडल ऑफ द वीक सरप्राइज एविक्शन करके एक वीडियो दिखाकर. सो आई डोंट थिंक कि यू नो वो एक प्रोग्राम शो बनाते हैं. ये अगेन दिस ऑल अ स्क्रिप्टेड. नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होता है. फाइट जितनी वहाँ पे हर वीक में कोई फाइट जिसकी नहीं होती है, जो बहुत पीछे जा रहा होता है बैकवर्ड, तो उसको नोबडी इज प्लेइंग अदर देन बिग बॉस. हाँ. यू आर जस्ट पपेट्स. आपके हाथ में कोच भी नहीं है, कोई अच्छा या बुरा नहीं है. जो आपको टीवी पे अच्छा लग रहा है वो आपको अच्छा दिखा रहे हैं. ओके. जो आपको टीवी पे बुरा लग रहा है वो आपको बुरा दिखा रहे हैं. अगर वो चाहें कि ये आदमी इतना बुरा ना लगे तो वो ऐसा दिखाएंगे कि आपको इतना बुरा नहीं लगेगा. ओह. अगर वो अलाउ कर रहे हैं कि उसकी बुराई आप तक पहुंचे तो वो ये चाहते हैं. करेक्ट. अगर वो चाहते हैं कि ये आदमी आपको अच्छा लगे तो वो आपको अच्छा लगेगा. उसके साथ ऐसी चीज़ें वहाँ होंगी, उसको ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ेंगी. राइट. अब आपका ये फेवरेट कप है, आप बोले मैं सिर्फ इस कप में चाय पीता हूँ, रोज़ बोलें मैं तीसरे दिन ही आपसे ले लूँगा इसी टास्क में. अब 10 दिन तक आप बोलते रहेंगे यार मैं तो चाय ही नहीं पी पा रहा, मेरा फेवरेट कप नहीं है. और 10वें दिन एक टास्क होगा, उसमें होगा अगर आप जीते तो आपको कप मिलेगा, तो आप क्या करोगे, आप कप ही मांगोगे ना. एग्जैक्टली. यू गेट प्लेड. ऐसा लगता है कि आपकी चॉइसेस हैं, वो नहीं. बट मैंने बहुत बार सुना, इनफैक्ट आपने भी ये बात बोली कि आपको बहुत बार बिग बॉस जाने के लिए ऑफर आई पहले भी, बट आप नहीं गए. हाँ. और बहुत सारे एक्टर आज भी जाना नहीं चाहते हैं. नहीं, अब तो बहुत फर्क पड़ गया. हाँ. अब एटलीस्ट जाने के बाद आपका एक प्रोफेशनल अपसर्ज होता है, आपको ज़्यादा काम मिलेंगे, आप ज़्यादा देखेंगे. मेरे वक्त में गैम्बल था. ओ. आपका जाके फ़ायदा भी हो सकता है, आपको जाके बहुत नुकसान भी हो सकता है. ऐसा भी हो जाए आपकी कोई अगली फाइट हो जाए और जिंदगी भर लोग आपकी शक्ल देख के उस फाइट को याद करते हैं. एक कंटेस्टेंट शायद आपके सीजन थे, प्रियंका जग्गा, वो आप ही के. हाँ, सीजन, वो मेरे सीजन, राइट? हाँ. मेरे सीजन में थी. वो बहुत वॉलेटाइल थी इमोशनली, उसका करियर खत्म कर दिया. करेक्ट. वो वॉलेटाइल थी इमोशनली और उसके बारे में लोग बहुत बुरा कहते हैं, और उसने जो भी किया वो बुरा किया, बट अगेन जितना बुरा दिखाया गया उतना बुरा वो दिखाना चाहते थे इसलिए दिखाया गया. एक लड़की वहाँ कंप्लीटली बीमार है, वॉमिट कर रही है लगातार सबके सामने, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही और उसके झगड़े चल रहे हैं. नॉर्मली अगर वो चाहते तो उसको ले ही जाते. 3 बार स्वामी ओम इविक्ट हुए और वापस ले आए. राइट. प्रियंका जग्गा अगर शो से निकाली गई तो उनका स्टैंड ही लगा दिया वहाँ पर. सी, वो मैनिपुलेशन ऑफ द ऑडियंस है, करना उनको वही है जो उनको करना है. राइट. अब वो करते वक्त खुद सही लगना चाहते हैं तो एक सैटरडे संडे को वीकेंड का वार होता है जहाँ पर वो अपनी बैलेंसिंग एक्ट कर लेते हैं. बट इट्स अ गेम. अगेन जिस तरह मैं नेपोटिज्म और उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे इन सब बातों से कोई कंप्लेंट नहीं है. एक शो बना रहे हैं वो. करेक्ट. तो उनको उसको एंटरटेनिंग बनाना है, वो जैसा बनाएंगे वैसे ठीक है ना उनके लिए. But again, उनका शो है, उन्होंने ये तो नहीं कहा न्यूज है. इट्स अ शो, तो जैसा वो करें करें. अगर वो मुझे पैसे देकर अपने शो में रखकर नहीं दिखाते मेरा चेहरा, योर लॉस. एब्सोल्युटली. I don't have a problem. तो this was my problem in the show. ये जो मेरा टेक है कि आप मुझे ये कहकर कि अरे इस सिचुएशन में दिखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो मेरे लिए वैलिड नहीं है. Right. मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. आप मेरे पास आए हो, मैंने आपसे एक रकम ली है,
आप मुझे नहीं दिखाना चाहते मत दिखाइए, मत दिखाइए आपसे मैं जो पैसे तो मिलने ही है, राइट एक्सर, इस शो से मेरा फायदा हो सकता है, इस शो से मेरा नुकसान भी हो सकता है, पर ये शो मुझे बना या बिगाड़ नहीं सकता, मैं ऑलरेडी उस स्टेज से ऊपर हूँ। करेक्ट, तो इसीलिए वो वाला सीजन खराब था क्योंकि बिल्कुल रैंक न्यू कमर्स के साथ जो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करने के लिए थे, बट कॉमन मैन थे ही नहीं, है ही नहीं, सब वॉनबी एक्टर्स थे, राइट, हमारे देश का कॉमन आदमी वॉनबी एक्टर थोड़ी है, स्ट्रगलिंग एक्टर थोड़ी है, वो तो एक किस्म के लोग होते हैं, राइट, बस कंडक्टर क्यों नहीं आया, काम करने वाली क्यों नहीं आई, क्लर्क्स क्यों नहीं आए, राइट, बीच में कुछ एक टीचर वीचर थे, कुछ एक और थे, वो भी सब इसी फील्ड में आना चाहते थे, दूसरे दूसरे शहरों से जा जाके पैसे खर्च खर्च के ऑडिशन दे देकर वो लोग यहाँ पहुंचे, अब वो जो बनना चाहते हैं उसी के साथ कंपीट कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये कैसे बराबरी की लड़ाई है? एब्सोल्युटली, मैं ऑलरेडी उस पोजीशन में बैठा हूं, वो मेरी पोजीशन में बैठना चाहता है, चाहते हैं तो वो तो कुछ भी करेगा, मैं कैसे करूं? करेक्ट, राइट, अब आप मुझे एक फेलो सेलिब्रिटी से भिड़ेंगे तो मैं भिड़ूंगा ना, अब इट्स नॉट अ मैटर ऑफ क्लास, इट्स अ मैटर ऑफ पोजीशन कि मैं कुछ चीजें करता हुआ सही नहीं लगूंगा, डेस्परेट लगूंगा फॉर अटेंशन, क्योंकि मैं उस स्टेज को पास कर चुका, correct. अब मैं 12वीं कक्षा में चौथी कक्षा का एग्जाम देते हुए बेवकूफ हूं, बिकॉज मैं पास करूंगा तो मुझे करना ही चाहिए, और मैं फेल हो गया तो मैं कितना गधा हूं कि मैं 12वीं कक्षा में था तो चौथी कक्षा का एग्जाम क्यों दिया मैंने? दिस वाज अ बैड सीजन टू गो फॉर, एंड जस्ट टू सबमिट अप, जहां पहले दिन ही दो टीम्स को डिवाइड करने में ये नाम दे दिए जाएं कि ये सेलिब्रिटी टीम और ये इंडिया वाले, इंडिया वाले, तो भाई हम श्रीलंका से आए थे जैसे मतलब क्या नॉनसेंस, वो मैनिपुलेटिव थे, इंडिया के थे, करेक्ट, तो मतलब ये क्या बात हुई, वो आई टेल यू क्या, वो मैनिपुलेटिव गेम्स है वहां पे, हाउ स्मार्ट दे आर, बट द ऑडियंस डजंट अंडरस्टैंड कि इंडिया की वोटिंग में इंडिया वाले कैसे हारेंगे। करेक्ट, एग्जैक्टली, आप इंडिया वाले कह के कैसे हराओगे मुझे बताओ, मतलब ही नहीं बनता, एक तो सिंपैथी वोट उनके साथ जा रहा है, हो ही नहीं सकता, तो अगर आप इनको सेलिब्रिटी कहते तो उनको कॉमनर कहते या कॉमन मैन कहते, वो भी नहीं, सेलिब्रिटी और इंडिया वाले, तो वहीं हार गए ना आप, अब इंडिया वालों को तो कोई हरा नहीं सकता, इंडिया में और सेलिब्रिटी का क्या मतलब है, मतलब मैं आप इंसिनुएट करना चाहते हो कि ये आम आदमी है, ये सादा है, ये सिंपल है, ये अच्छा है, करेक्ट, क्योंकि वो हमारे देश में एक वो गलत फहमी है ना कि जो जो सादा और गरीब है वो अच्छा होता, वो अच्छा होता है, जो अमीर और सक्सेसफुल होता है वो कपटी और मैनिपुलेटिव और अय्याश डिबॉच्ड होता है, ये नॉनसेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं, एक किसान बिल्कुल सिंपल लाइफ जीने वाला भी बिल्कुल मैनिपुलेटिव आदमी हो सकता है, और एक बहुत अमीर आदमी भी बहुत एथिकल हो सकता है, इसमें कोई पर वो कैसे खेलते हैं साइकोलॉजिकल गेम्स विद द ऑडियंस, बिग बॉस में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन कंटेस्टेंट्स की नहीं ऑडियंस की होती है, ओ देखने वालों के साथ सबसे बुरा लगता है जब लोग झगड़ते हैं आपस में, क्योंकि वो इतनी आसानी से लोगों को ऐसे भिड़ा देते हैं एंड लोग लड़ रहे होते हैं, एंड देयर जस्ट यू नो दिस इज व्हाट दे वांट पीपल टू टॉक एंड फाइट एंड आर्ग्यू एंड मैसेज एंड सो या इनफैक्ट पहले के एक्टर्स को शायद इतना एडवांटेजेस नहीं मिला होगा बिग बॉस में जाने के बाद, अब तो बहुत मिलता है, एक्सपोजर बहुत बड़ा हो गया। मैंने आपसे कहा ना उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट वर्क करने के लिए उन्होंने किसी को जिताया, उसको जिताने के बाद अगला सीजन उन्होंने सब रेगुलर लोगों के साथ किया, वो बिल्कुल नहीं चला, तो उसका अगला सीजन फिर उनको एक बड़ा सेलिब्रिटी सीजन करना पड़ा जहाँ पे उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाने पड़े क्योंकि उसके पहले वाले सीजन की रेटिंग्स खराब थी। ओह, तो हम अनफॉर्चुनेटली उस एक्सपेरिमेंट में पिस गए, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं इससे अच्छा ना ही जाता, 5 साल नहीं गया था, तो दैट्स द होल पॉइंट। अच्छा, मतलब ना ये एक बात कहने में मैं उस वक्त झिझक रहा था, ना मैं अभी झिझक रहा हूँ, बिकॉज अगेन मैं ये कह रहा हूँ मुझे इससे कोई कंप्लेंट नहीं है कि वो ऐसा करते हैं, बिकॉज उनका शो है। एग्जैक्टली, मुझे इस बात से बिल्कुल तकलीफ नहीं है, मैं अपने लिए सोचता हूँ सिर्फ कि यार 5 बार जब मना किया था तो यही साल जाना था क्या, तो अगर दोबारा मौका मिले ऑफर आए तो जाएंगे? नहीं, वो नहीं बुलाएंगे मुझे, नहीं, वो नहीं बुलाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप खेल समझ गए? मैं खेल वहां भी समझ गया था, मतलब अगर आप फेलो कंटेस्टेंट्स को बोल रहे ये मत बोल, वो तुझसे बुलवा रहे हैं, स्टूपिड लगेगा। Exactly. तो वो क्यों रखेंगे आपको? अब प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस आपको पसंद कर रही है, तो थोड़े टाइम तक उनको रखना पड़ा, राइट राइट, वरना फिर जिसकी शादी की प्रोडक्शन प्लान पहले से बन चुका हो, सेलिब्रिटीज को बुलाना हो, प्रोडक्शन डिजाइनिंग की गई हो, सेट्स बने हो, वो शादी तो संपन्न होगी, फिर ही वो एक कंटेस्टेंट निकलेगा ना, तो ये सब बोलते हैं, एवरीथिंग इज इट्स अ शो। आप इतने साल काम करते हो तो आपको ये सब पता होता है। आपका अगर
मैं जितना पॉपुलर था शो में लिमिटेड दिखने के बाद, अगर उससे ज्यादा पॉपुलर होता तो वो मुझे और आगे भी रखते, बट अगर उनको फाइनली जिसको जिताना था उसको जिताना था तो वो फाइनल 3, 4, 5 में मुझे नहीं आने दे सकते थे, बिकॉज फिर वो जिता नहीं पाते उसे, राइट, वो जस्टिस दिखता भी नहीं। आपको फाइनली दो लोग ऐसे चाहिए जहां पर एक वो जिसे आप जिताना चाहते हो और एक वो जो हारते हुए ठीक लगे। करेक्ट, मैं समझ गया आपकी बात। वो आपने कहा कि पब्लिक के साथ ऐसी सिचुएशन तक पहुंचते हैं जहां पर ये जीतता हुआ ठीक लगता है क्योंकि वो हारते हुए ठीक लगता है। करेक्ट, मतलब आपने वो जस्टिफाई बात कह दी कि पब्लिक के साथ ज्यादा। 50,000 बातें बता सकता हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता शो को। करेक्ट, मतलब एक वो स्टूपिड सा था प्रियंका जग्गा और मेरे बीच में कैप्टनसी का टास्क था, राइट, कैप्टन कौन बनेगा, वो मुझसे कैसे जीतेंगी, मतलब बिग बॉस की लैंग्वेज में बल में, दिमाग में, बातों में, किस तरह पर्सनैलिटी में, किस तरीके से जीतेंगी, नहीं तो क्या टास्क क्या बनाया कि प्रियंका जग्गा जो बहुत ही ज्यादा पतली और फ्रेल थी, उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, गॉड ब्लेस हर, वो और मैं लटके रहेंगे और बाकी लोग उनको पकड़कर लटके रहेंगे। अब जो पहले नीचे आ जाएगा वो हार गया, तो एक आदमी 80 किलो का, एक फेदर वेट से भी कम, करेक्ट, क्योंकि आप किसी भी तरीके से उसको जिता ही नहीं सकते, राइट, तो ये एक तरीका बचा कि भैया ये 80 किलो का है, वो 35 किलो की है, दिस इज हाउ दे डू इट। उसमें भी दो रस्सी सामने और एक तीसरी रस्सी बीच में जो किसी के पास ही नहीं है, वो बेचारे जो मेरे साथ वाले लोग हैं वो रस्सी से अपने आप को लपेट के एक जगह पे अटक गए, बाकी लोग उनको पकड़ के खड़े हैं, वो वहीं के वहीं हैं। करेक्ट, और मैं नीचे हो रहा हूं और मैं सोच रहा हूँ वो अगर वहीं के वहीं है तो मैं नीचे कैसे हो रहा हूँ। तो वो इतना मैनिपुलेट करते हैं, मतलब पब्लिक के साथ हो गया है तो। हाँ, तो बट पब्लिक को ये पता होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पब्लिक एंजॉय करती है, इट्स अ शो, अगेन इट्स इज नॉट रियलिटी, इट्स अ रियलिटी शो, सो उनको ये करने का पूरा हक है। पर वो तो रियलिटी शो समझ के देखते हैं ना कि यार जो रहा है उनकी प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब यही तो मैनिपुलेशन। शुरू में वो डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा आपने कभी? ना, वो तो पढ़िए। एग्जैक्टली, अब पढ़ना चाहिए, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ेंगे। पॉइंट ये है कि आपको एक मजेदार शो देना चाहते हैं पर उसमें ईगो भी तो है। मैं वैसा बनाना चाहता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ, मैं अपना कंट्रोल रखना चाहता हूँ, मैं जिस तरफ इस शो को लेके जाना चाहता हूँ मैं उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो वो होता है। अब उसके बीच में एक कोई स्टूपिड से ओवर स्मार्ट गौरव चोपड़ा आ जाते हैं। नहीं, तो ये बहुत ओवर स्मार्ट है, इसको ज्यादा बकबक करता है, इसको सबको बाकियों को भी बता रहा है, वो समझ रहा है गेम को, तो इसको पहले हफ्ते में जब स्वामी ओम मुझे अपने मर्डर्स की बात बता रहे थे कि उन्होंने कैसे कैसे मर्डर्स किए हैं बाहर, कैसे कैसे फंसाया लोगों को, कैसे कैसे फांसी पे टांगा, किस किस को टांगा, किसकी मदद से टांगा, किस पुलिस चौकी में ये किया, मैं ऐसे डरा हुआ कैमरा में देख देख के उनसे बुलवा रहा था कि शिट, आई डोंट नो व्हेदर इट्स अलाउड, मतलब फक, हाँ, केयर, ये आदमी टीवी पे ही बोल रहा है और मुझे डर भी लग रहा है सुनकर कि मैं किस आदमी के साथ रह रहा हूं, और वो डिटेल्स बता रहे हैं, तारीखें बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, और मैं ऐसे उसकी तरफ देख रहा हूँ कैमरा की तरफ कि भाई बता रहे हैं, और मैं बस उस हफ्ते के एंड में वीकेंड का वार का वेट कर रहा हूँ, और मुझे लगा ये बात इसने बोली उसी रात को यहाँ से गायब हो जाएंगी है। एक आदमी बिग बॉस के बीच में बैठ कर ग्रूसम मर्डर डिटेल्स बता रहा है कि उसने कैसे किए हैं। एग्जैक्टली, ये पहला हफ्ता है, अभी आपको पता नहीं कि ये इंसान पागल है, सच्चा है, झूठा है, आपको अभी पता नहीं, तो कुछ नहीं हुआ, वीकेंड के बारे में भी कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आया इतनी बड़ी बात हो गई तो इसका मेंशन कैसे नहीं हुआ। अरे मेंशन भी नहीं हुआ, बाहर आके मैंने देखा एपिसोड में था ही नहीं, वो दिखाया ही नहीं गया, तो दिखाया नहीं गया तो क्या फिर भी आप ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, मतलब अंदर एक आदमी कुछ भी कर ले, उसने अपने बेड के नीचे चाकू फोक्स और छुरियां रखी हुई हैं कि वो किसी दिन मारेगा हमें, तो आप उसको वहां वापिस ले आते हो उसको, आप सोचिए ना कि रहने में कैसे, रहते वक्त कैसा लगता है आपको, एक आदमी पागल है वो अपने पागलपन में कुछ कर लेगा पर आपको तो कुछ हो जाएगा ना, फिर ये बोलेंगे नहीं हम होने नहीं देंगे, बट कुछ हो गया तो क्या कर लेंगे, आप सुबह 4 बजे उठते हैं और वो ऐसे आपके बगल में बैठा घूर रहा है आपको, या आपके बेड के नीचे कुछ फ्रूट के ऊपर कुछ रेड से उसने बना बना के रखा हुआ है, सच्ची वो रोज रात को 11 बजे 12 बजे से लेकर सुबह के 3-4 बजे तक बाथरूम को बंद करके तांत्रिक चांट्स करता था रोज। ओ माय गॉड,
फिर वो बोलेगा मैंने बात की है, मैं प्रीतों से बात करता हूँ, आज उसको चोट लग जाएगी, और लग जाती थी। अब मुझे नहीं पता कि उसमें सचमुच पावर्स थी कि नहीं, क्योंकि वो अदरवाइज कुछ भी नॉनसेंस बोलते थे, तो हो सकता है बकवास हो या कोइंसिडेंस हो, बट आपके लिए वहां रहते वक्त कैसा होता है एग्जैक्टली तो फिर आप उसको रख क्यों रहे हैं ऐसे आदमी को? पर आपको उससे शो मिल रहा है, आपको टीआरपी मिल रही है, और फिर वीकेंड के वार पर आंधी आ रही है स्वामी ओम करके, मजाक ही खत्म नहीं होता। एंड यू आर लाइक, हमारे पास रहते वक्त बिल्कुल फनी नहीं है, दिस इज नॉट फनी एट ऑल। एग्जैक्टली, वो कोई सुसु फेंक रहा है लोगों के ऊपर और चाकू रख रहा है आपको मारने के लिए, इट्स नॉट फनी। एब्सोल्युटली, इट्स फनी फॉर पीपल टू वॉच, बट कुछ हो जाता तो फिर, तो फिर it's a risk that you're taking na, absolutely. So ye wo it's a, it has to be, I always advise people ki big boss dekho fun ke liye, fun ke liye. Aapko jo acha lagta hai usko support karo, jo acha nahi lagta usko gaali do, zyada serious mat ho. Log bahut deeply involved ho jate hain. That's exactly. My only problem, ye main itni bagbag jo ki hai abhi wo sirf isliye ki hai ki mujhe bahut bura lagta hai ki logon ko ye baatein nahi pata aur wo itne involved ho jate. नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा अटेंशन बिग बॉस के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता लगी। अच्छा बताइए, पिछले 2 साल में आपने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट किए हैं, और बहुत चूजी रहे हैं, या फिर पैसे की वजह से नहीं किए, या फिर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं मिली, या काम ही नहीं मिल रहा था? नहीं, काम तो मिल रहा था, हमेशा से मिलता रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, पर मिलता रहा है। एक डब्बे में बंद हो गए थे आप, और एक ही किस्म के रोल्स ऑफर हो रहे थे बार बार, तो आपको लगा कुछ अलग करना पड़ेगा। बीच में वो लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में लाइफ पूरी चेंज हो गई। जो लाइफ पूरी चेंज हो गई तो आपके ख्यालात भी बदल जाते हैं, तो ऐसा लगा कि व्हाट द हेल, अब नहीं करेंगे, अब अगर होंगे भी तो नहीं करेंगे, अब वही करेंगे जो थोड़ा मुख्तलिफ हो, जो अलग हो, जिसमें ऑडियंस को थोड़ा झटका लगे। एंड जब वैसे वैसे रोल्स मिले तो उनको हाँ किया, अगर कुछ रेगुलर टाइप का मिला तो उसको डिक्लाइन करते रहे। बहुत बहुत पैसों का नुकसान किया, लाखों लाखों का, बट आई एम हैप्पी। यू हैप्पी? आपने जाहिर बात है, एक अभी लास्ट का जो आपका रहा है, आपका प्रोजेक्ट राणा नायडू, जो अब 3 प्रोजेक्ट में से एक था, स्कैंडल से जुड़ा हुआ था, आपकी लाइफ भी स्कैंडल से जुड़ी रहती है, और बहुत सारे नाम आपके साथ जुड़े हट गए, मतलब कैसीनोवा वाली एक प्रोफाइल रही है, क्या इस बात में सच्चाई है? क्या गौरव ऐसे हैं पर्सनल? अगर कोई बहुत दिल से पैशनेट प्यार करता है तो क्या वो कैसीनोवा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके हिसाब से कैसीनोवा कौन होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बहुत सारी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहता है, या फिर वो जो बहुत सारी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो, राइट, बट बहुत दिल से प्यार करता हो, क्या वो फिर भी मतलब सबके साथ दिल से प्यार? सबके साथ एक टाइम की बात ही नहीं होती, बहुत सारी की बात हो रही है, एक टाइम की बात नहीं। अच्छा ठीक है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो वो किस्सा कुछ ऐसा है कि हमसे बिना इंटेंसिटी और पैशन के कुछ नहीं होता, ना एक्टिंग, ना काम, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना जिंदगी। तो जो हमारी जिंदगी में आ जाए, फिर वो बिल्कुल ऐसे सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन जाती हैं, और हम उन्हें उतनी तवज्जो और इम्पोर्टेंस भी देते हैं, और प्यार की इंटेंसिटी भी वैसी ही है। तो एज ए 90s किड, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड यू रीच 2023, यू रियलाइज ये अब चलता नहीं। Exactly. You have to be more practical and smart. ये intense और ideal होके कुछ नहीं होता है। But हम ऐसे ही, हमारी manufacturing ऐसी है। तो आप one woman man है? हाँ, one woman man है। हमेशा, हमेशा। मगर आपने शादी जो की वो एक ऐसी लड़की से की थी जिससे, जो इंडस्ट्री से इनका कोई लेना देना ही नहीं था, ऐसा क्यों? जबकि आपके चारों तरफ आप स्टार रहे, सेलिब्रिटी हैं, आपके चारों तरफ। पर मैं कभी ढूंढता ही नहीं था वो चीजें। मुझे, अगर मैं अपनी एज एन एक्टर, खुद को एज एन एक्टर नहीं समझता, तो मैं किसी एक्टर को थोड़ी ढूंढ रहा था, मैं एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा था। लाइफ पार्टनर को ढूंढते वक्त आपकी कुछ उम्मीदें, कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि वो थोड़ा मुश्किल होगा उन उम्मीदों को रखना फ्रॉम समबडी हु इज़ अ प्राइम टाइम एक्ट्रेस, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में भी वही प्रेशर्स होंगे जो मेरी ज़िंदगी में होंगे, तो ये प्रेशर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएंगे घर पर। बट आप रिलेशनशिप में तो रहे हैं? हाँ, ये आपको रिलेशनशिप में रहने के बाद पता लगा? रिलेशनशिप्स के फेल होने के बाद। ओके, कि वो नहीं चलता, नहीं चलता। वो मेरे लिए आसान है कि मैं बाहर एक्टर हूँ और स्विच ऑफ, और फिर मैं नॉर्मल गौरव बन के घर चला जाऊँ, और नॉर्मल गौरव बन के घर पर हूँ 2 दिन, और कोरियर भी लूँ और नीचे भी जाऊँ और
किसी को कुछ भी करूँ और ऊपर चढ़ के कुछ यू नो मैकेनिकल काम भी कर लूँ और आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. घर पर आई वॉन्ट टू बी सरल नॉर्मल सो दैट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है या लॉयर का होता है कि आपकी नौकरी खत्म हुई आप घर आए आप घर पर आम आदमी घर पर हाँ मतलब आम आदमी क्या रेगुलर चीज एग्जैक्टली कि आपके जॉब के आवर्स खत्म हो गए अब आप घर आए. अब ये क्या नॉनसेंस है कि भाई एक तो 12 घंटे 13 घंटे शूटिंग करो फिर उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करो कि मैं ये हूँ और मैं ये रोल करता हूँ और मेरे इतने सारे फैंस हैं उस बात का हमेशा एहसास रखिए तो मतलब पागल ही हो जाएंगे आप. मतलब जब इंडस्ट्री में रिलेशन में रहे तो आपको वो एहसास रखना पड़ता था. नहीं उसके बाद भी नहीं वो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए स्विच ऑफ करना स्विच ऑफ पर उनके लिए शायद इतना आसान नहीं है एंड मेरे लिए वो उनसे उम्मीद रखना अनफेयर है. एग्जैक्ट जब बाकी लोगों के लिए वो इतना आसान नहीं है दैट डजंट मीन कि वो गलत है. दिस इज हाउ द प्रोफेशन इज. आपको हर वक्त एक्टर या एक्ट्रेस बन के रहना पड़ता है बिकॉज समाज की ये उम्मीद है आपसे. मुझे फर्क नहीं पड़ता बट आप कैसे भी बाल बनाकर कैसे भी कपड़े पहनकर नीचे उतरता हूँ गाड़ी में बैठता हूँ चला जाता हूँ आई डोंट केयर. ऑटो में बैठता हूँ टैक्सी में बैठता हूँ वैगन आर में बैठता हूँ ऑल्टो में बैठता हूँ. वो साइज में आती नहीं होगी अर्जेंसी में जो कितनी कितनी बार. अच्छा गौरव का मैरिटल स्टेटस क्या है एग्जैक्टली. मैंने आपसे कहा हम अलग हैं मतलब आप बिल्कुल सेपरेट बात मैं नहीं कर सकता. नहीं करें ठीक है. तो अभी तक का गौरव आपका सबसे टफेस्ट रोल जो आपने प्ले किया है मतलब अपने एंटायर करियर के बारे में एक बता दें. प्रिंस रेड्डी. प्रिंस रेड्डी राणा नायडू. ओके प्रिंस रेड्डी राणा नायडू में कितनी इम्प्रोवाइजेशन है और कितनी स्क्रिप्ट है मैं आपको बता भी नहीं सकता. जैसे मैंने आपको कदर के लिए कहा कि एक डायलॉग लिखा था एक मैंने इम्प्रोवाइज किया एटलीस्ट मेरे दिमाग में क्लियर है. वहाँ वो इतना ऐसा घुल मिल गया था कि मुझे पता भी नहीं. वो इट्स एक पल में ऐसा अगले पल में ऐसा उसके अगले पल में वैसा. कोई भी सीक्वेंस आप उठा लीजिए. एक सीक्वेंस है कि प्रिंस का एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा है वो बाहर आता है स्टार की तरह. अचानक उसको रियलाइज़ होता है कि नागा नायडू जो बैंकी सर थे वो सामने हैं और वो कुछ धमकाने वाले हैं. वो बोलता है कि मैं आऊँगा. वो पीछे जाके राणा को फ़ोन करता है. अभी यहाँ से फुल स्टार मोड में वापस जाके फ़ोन कर बोलता ब्लडी इडियट तुम्हारा वो यहाँ तुम्हारा क्या काम कर रहे हो तुम फक ऑफ तुम कुछ काम के लायक नहीं हो मैं किसी और को दूंगा. वो इतना गुस्सा है. अभी गुस्से के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे. ही कॉल्स आउट फॉर हिज सन. सन को देखता है उसके साथ थोड़ा काम होता है थोड़े उसके अंदर का कंपोजर वापस आता है क्योंकि उस बच्चे के साथ वो एक अलग इंसान वेरिएशन. हाँ वो अचानक अब सॉफ्ट हो जाता है. वो अचानक मतलब कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को मैं होने ही नहीं दूंगा बिकॉज योर फादर इज द किंग. अब वो वहाँ से उस कॉन्फिडेंस को लेके वापस स्टेज पर जाता है. वो एक अलग इंसान है. वो वहाँ जाके उसको हैंडल करता है. हैंडल करने के बाद के सीन फिर बिल्कुल अलग है. अभी आप अलग अलग जब शूट करते हैं साथ में थोड़ी होता है. एग्जैक्टली आपको रखना पड़ता है ध्यान में कि मैं वहाँ से इस पॉइंट पे निकला था पर मैं यहाँ जाऊँगा फिर वेरी टफ. अच्छा बिफोर वी प्रोसीड फॉर रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर वन वर्ड आंसर आई वांट यू टू जस्ट एक सबसे फेवरेट डायलॉग और अपने अंदाज में जो आपका अभी तक का फेवरेट रहा है मतलब टीवी का हो या फिर मूवीज का हो या आपने आपको लगता है कि हाँ यार ये तो मेरे हमेशा दिल को छूने वाला रहा. हाँ यार ये तो बड़ा मुश्किल है. आई रियली कांट से. जेन्युइनली बोल रहा हूँ आई रियली कांट से. मैं इतना घुस जाता हूँ अपने रोल्स में ना कि मेरे बहुत आई कांट टेल यू वन. अच्छा फिर आपका कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगता हो बहुत फेमस हुआ था जो आपने कुछ ऐसा. अभी तो गदर के डायलॉग्स ही याद आ रहे हैं. आई लकीरें में जो मैंने आपको शुरू में शायरी सुनाई वो एक बहुत अच्छा है. एक बीच में भी बहुत मज़ेदार डायलॉग्स हैं. क्लाइमैक्स में वो कोर्ट में एक डिबेट चल रही होती है लॉयर के साथ और वो लॉयर उनको कुछ कह रही है अबाउट आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए. एंड ही सेज अगर मैं उनकी हर ख्वाहिश उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूं, अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करूं, उनसे प्यार करूं, उनको अपना बना के रखूं, तो क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखें. छोटा सा था बट ये वो क्रक्स है कि डिबेट इन रिलेशनशिप क्या है. Exactly. आज के ज़माने में when relationships have changed तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से आपकी बाउंड्रीज क्या हैं आपकी लकीरें क्या हैं. दैट्स व्हाट द फर्स्ट. ऑलराइट सो गौरव भाई लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर वन लाइनर और वन वर्ड. ओके इफ यू वर नॉट एन एक्टर व्हाट वुड यू बी. आई वुड बी मेकिंग आई वुड हैव बाय नाउ हैड अ मेंस वेयर लेबल. Okay. Two things you would change about yourself.
I'm too honest. I'm too idealistic. Okay. I need to be a little more. But why do you want to change it? Life will be easy. Okay. ये आइडियलिज्म 2023 में आप ही की जिंदगी को मुश्किल बना देती है। पर मैं चेंज कर नहीं सकता, मैं जानता हूँ। बिकॉज़ जो आइडियल है वो नॉन आइडियल होगा कैसे? इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। हो ही नहीं सकता। व्हाट मोटिवेट्स यू? माय पेरेंट्स मेमोरी। योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? मेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट। ओके। वन सॉन्ग व्हिच डिस्क्राइब यू द मोस्ट? रॉबी विलियम्स का एक गाना है कॉल्ड फील। ओके। दैट डिस्क्राइब्स नॉट जस्ट इट डिस्क्राइब्स माय लाइफ। ओके। If you could secretly seek into one person life, who would be and why? Secretly? Seek into one person life. Who would be and why? Oh, very tough. I have so many. Hey, very tough. अब ये भी मत कहते ना, ये भी नहीं, उसी क्वेश्चन में आई वांट टू गिव यू अ गुड आंसर, इसलिए मैं क्लियर हूं। अदरवाइज मैं कुछ बोल देता, नो प्रॉब्लम, अभी तक कुछ ऐसे ही बोल देता किसी का नाम। आई वांट टू गिव यू लाइक अ गुड आंसर फॉर दिस। Secretly seeking to someone's life and why? Hitler's life. Why? How did one single person become the idol, the most loved, the most followed, passionately followed by the entire country so fast? And then got hated by the entire world so fast. It's just the most कुछ तो बात होगी उनके पुराने अगर आप उनकी पुरानी स्पीचेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आप ऐसी स्पीच किसी की सुनते तो आप भी या तो आप बोलते पाँव मैं आपके पाँव छू लेता हूँ या आप बोलते मार दो इसको। इट्स दैट इंटेंस एंड पैशनेट। वो एक ऐसा नेशनल प्राइड जगाते थे जर्मन्स में कि उन्होंने एक एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड बर्बाद तबाह कंट्री को दुनिया का सबसे बड़ा पावर बना दिया उस वक्त के लिए। करेक्ट। एंड इन लाइक जस्ट सम टाइम इन लाइक लिटरली 10 years 15 years एंड सो इट्स ऑलमोस्ट क्रेजी। इट्स लाइक कुछ तो मैजिक होगा उसके उनकी उनके अंदर और लाइफ। प्लेस यू मोस्ट वॉन्ट टू ट्रेवल? Many again, but New Zealand. Okay. Favorite junk food? I love trying new burgers. Okay. तो मुझे पता लगता है कोई नया बर्गर ब्रांड आया है तो मैं ऐसे उसको खोल के बिना देखे कौन सा फ्लेवर ऐसे ऑर्डर कर लेता हूँ कि देखता हूँ आज ये कैसा है, फिर अगली बार कोई और। Okay. How many of hours of sleep do you need? I don't sleep enough. Really? Yeah, I don't. I should be sleeping more. So I don't know how much I need. I need a lot more than I sleep. But मैं सोता ही नहीं हूँ। क्या बात? हाँ, मतलब जब लोग सुबह उठ के मॉर्निंग जॉग्स पर जा रहे होते हैं तब मैं सोच रहा हूँ अब तो सो जाना चाहिए। अब तो लोग जा रहे हैं, मतलब अभी भी मैं नहीं सो रहा हूँ तो क्या होगा? My God, but yeah. Okay. What's your favorite car? कभी कभार उसकी वजह कोई और होता है। अच्छा। तो आप बोलते अब तो सोने दो। अच्छा, ये सच्चा था? नहीं, कभी कभार। कभी कभार होता है, कुछ भी झूठ नहीं है, सारे वर्ड्स मेजर्ड हैं। और कभी कभार ये रीजन होता है कि यार अब तो सुने दो। यार सुने दो यार। वेरी गुड। ज़हन और यादें और स्ट्रेस और टेंशन और क्या करना है और क्या नहीं करना है वो पीछा नहीं छोड़ता, इंसान की नींद उड़ा देते हैं। हाँ, दैट इज द टाइम ना। अब सारा दिन तो प्रिटेंड कर लेंगे, स्टार बन लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस का जवाब दे देंगे, पर रात को जब वो यू आर जस्ट बाय योरसेल्फ आंखें बंद करती कैसी वो बातें नहीं आएंगी जिनको आपने यू ब्रश्ड अंडर द कारपेट, जिनका सोल्यूशन आपने नहीं निकाला, जो अभी तक एक प्रॉब्लम बन के आपकी ज़िंदगी में बैठी हैं। फिर आप आइडियलिस्ट हैं तो उसको ऐसे श्रग अवे करने में भी आपको अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली। तो फिर रात को जंग शुरू होती है खुद से। ओ। और वो रात वाली जंग की जो सारी ज़िंदगी भर मुझे ए मिलता रहा रिपोर्ट कार्ड में, पर ये मेरी रात वाली जंग की जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें मुझे बहुत बार एफ मिलता है। तो जल्दी ए में आ जाएंगे होपफुली, हमारी दुआएं आपके साथ यार। और व्हाट्स योर फेवरेट कार्ब? ब्रेड, पास्ता, राइस और पोटैटोस? राइस। हाउ मेनी किड्स यू वुड लाइक टू? राइस भी बताऊं कैसे? हाँ, खीर। अच्छा, वो खीर की वजह से राइस है। ओके। हाउ मेनी किड्स यू वुड लाइक टू हैव? आई वुड हैव लाइक टू हैव 3। ओके। एक तो है नहीं, आई एम ब्लेस्ड टू हैव।
वेरी गुड, माशाल्लाह. व्हाट्स योर फेवरेट कार? माय कार जो जो मुझे चलाती है, जिसे मैं चलाता हूँ. तो कौन सी चलाते हैं? कम से कम उसके साथ तो मोहब्बत चल रही है. हाँ, तो कौन सी चलाते हैं यही बता दें. इट्स अ जैगुआर स्पोर्ट्स 3 लीटर. तो यार ये वो बात है, ये तो सबको पता चलनी चाहिए ना. प्रॉब्लम ये है कि वो स्पोर्ट्स मोड में जाने का मौका नहीं मिलता. तो बॉम्बे में कहाँ मिलेगा? तो करेक्ट, मैं चाहता हूँ कि अच्छा आपने वो सवाल दोबारा पूछना कि पीएम मोदी से मिलकर क्या कहना. सर मेरे लिए एक अलग फ्लाईओवर बना दो. अच्छा, मैं अपनी जैगुआर के स्पोर्ट्स मोड को एक्सपेरिमेंट कर सकूं. अच्छा, दैट साउंड्स गुड. ओके, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट? बोथ. बोथ. ओके, डार्क चॉकलेट खाने के लिए और मिल्क चॉकलेट वो भी खाने के लिए? नहीं उसके भी तरह डार्क चॉकलेट खाने के लिए. तो मिल्क चॉकलेट क्या करने के लिए भाई? और सोचो. अच्छा, ये क्वेश्चन मार गया. मैं जवाब भी दूं और सबके लिए सोचूं भी मैं. अच्छा ठीक है, ये आप लोग सोच लो. सोचो. Okay. सोच के नीचे कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. और अगर ये सवाल सोच के आपको बहुत मजा आया तो इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले. क्या बात है. इफ नूरा फतेह एंड मोदी जी बोथ वर ड्राउनिंग एंड यू कुड सेव ओनली वन, हु वुड इट बी एंड व्हाई? Myself. यार आप तो बचे हो पहले. कैसे बचाऊं? वो दोनों डूब रहे हैं, मैं भी वहीं हूं, तो कोई तो मैं भी नहीं, 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 आप हो ना बचे हुए. यार मुझे वैसे भी बहुत अच्छी स्विमिंग नहीं आती, मतलब मुझे इतनी स्विमिंग आती है कि मैं बस कुछ खुद बच जाऊं. किसी और को बचाने के छोड़ो ना, अपने बचा ले. मतलब ये फिर ये डिप्लोमेटिक हो गया. डिप्लोमेटिक. अच्छा चलो, आपको दोनों में से एक चाहिए. मुझे नहीं चाहिए, आपको बचाना है. नूरा फतेही और मोदी जी. पीएम मोदी. व्हाई? अरे कुछ तो फायदा हो सकता है. ओके, which country you would be never visiting in your life? ऐसा किसी कंट्री के बारे में मेरी ऐसा कुछ वो नहीं है. नहीं है. I wouldn't want to visit a country जहाँ कोई बहुत बीमारी हो. Okay. But otherwise ऐसा I've traveled to African countries, I've traveled all over the world pretty much. ऐसा कोई कहीं ख्याल है नहीं मेरे मन में. What's your favorite clothing brand? मैं निफ्ट में था. मेरी एक बैच जूनियर एक मेंसवेयर डिज़ाइनर हैं कॉल्ड निवेदिता साबू. निवेदिता साबू और मेरी टेस्ट एक तो बहुत मैच करते हैं. सो अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे मेंसवेयर में, हाँ डिज़ाइनर मेंसवेयर में. ओके, एंड मुझे अगर लगता है कि ये इस टाइप के इवेंट पे शायद ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, और मैं कहीं उनसे बात कर लूँ कि यार निवेदिता आई वॉन्ट टू वेयर समथिंग लाइक दिस, तो शील से एग्जैक्टली वही कि ऐसा कुछ पहनना चाहिए. एक तो वो कम्प्लीटली मैच करता है, और दूसरी एक मैजिकल चीज़ है कि उनके स्टोर में जाके मैं आँख बंद करके जो जैकेट उठा लूँ वो मुझे परफेक्टली फिट करती है. आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग हाउ. आज तक इन सो मेनी ईयर्स एक बार भी हमको फिटिंग्स नहीं करनी पड़ी, कभी एक सेंटीमीटर की भी. वाओ, इट्स जस्ट मैजिकल. मतलब इट्स तो वो एक मुझे बहुत फेथ है कि अच्छा मुझे अगर अच्छा दिखना है और मुझे कुछ सोच के जाना है तो आई कैन कॉल हर एंड से हे निवेदिता साबू कुतुर, क्या पहनूँ मैं? Very good. Okay. What is the most interesting thing that you have in your wallet? Purana sikka from 90s. मतलब उस जमाने का एक कुछ एक रुपए का सिक्का है वो जो अब शायद नहीं मिलता कहीं. नहीं मिलता इसलिए. Otherwise wallet की जरूरत किसे होती है? हाँ, exactly. मतलब you have credit cards and 20,000 of them. So. Absolutely. What is your least favorite beverage? Maybe black coffee. Mm-hmm. I don't enjoy it too much, but it's also because I don't need it. मैं अगर एक सिप कॉफी पी लूँ शाम को तो मैं सो नहीं सकता. Really? हाँ, वो it works for me. क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर चाय कॉफी पी नहीं, तो जब मैं पीता हूँ तो वो actually काम करती है जो उसे करनी चाहिए. करनी चाहिए. तो मतलब वो अभी तक adulterated नहीं हुई है body. Okay. What you have said something to someone that that you regret for? Yes, I've said some things to my parents in my life. जो उस वक्त लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और अब लग रहा है कि दुनिया की क्या ज़रूरत थी उस वक्त मुझे वो सब कहने की. Okay. If you were a millionaire, what would you buy? Millionaire तो हो ठीक है, billionaire बात करता हूँ मैं यहाँ पर, चेंज कर देता हूँ माई स्टेटमेंट. एक बहुत नेचुरली सुंदर प्राइवेट आइलैंड. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट द अपोजिट जेंडर? दैट दे आर द अपोजिट जेंडर.
Why is there any specific thing? You want, like a special body part? I mean, not body part. Is it like, what do you want? What do you want? Like, what do I say? मैं उनकी आवाज नहीं, ये तो body part नहीं, तो फिर क्या बचा? खुद मुंह से अपने ये भी नहीं बोलना चाहते कि I'm looking for a body part, और मुझसे बुलवाना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ normal general pose है. What do I first notice? हाँ, मतलब पहली बार, पहली मुलाकात में आप कैसे उसे सोचोगे कि मैं इससे बात करना चाहिए या ठीक है ये बंदा? वो तो उसको सोचना है कि बात करना चाहिए, मैं नहीं करता. मतलब कभी ऐसा होता होगा जब आप एक्टर नहीं थे तब वैसा सोचा हो? तब भी तो प्रॉब्लम ही है कि वैसे के वैसे ही हैं. अच्छा, तब भी वैसे ही थे कि हम तो, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम शुरू से ही है. अच्छा, वो वाली है फिर तो. मतलब वो ऐसी है कि आप दूसरे को कुछ ऐसे देखो कि वो मजबूर हो जाए बात करने के लिए. ओ, तो भगवान ने आंखें क्यों दी हैं? अच्छा, कुछ बोलने के लिए ना. गॉट इट. फिर उसके बाद जब आवाज निकले तो फिर वो सील हो जाना चाहिए. एग्जैक्ट, डन. ओके, लेट्स गो. योर फेवरेट प्लेस टू ईट? होम. ओके, बट विद पीपल. अकेले अच्छा नहीं लगता. अकेले अच्छा नहीं लगता. मगर आप देखो, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना है. ये डिप्लोमेटिक नहीं, अभी जो आगे मैं सवाल कर रहा हूँ. अच्छा, पहली प्री वन. क्योंकि मुझे मालूम होना है ना. ओके, विच सेलिब्रिटी एनॉय यू द मोस्ट? एनी जो एंड, मुझे किसी का नाम याद है. मुझे कुछ लोग बहुत लाउड होते हैं, वो मुझे पसंद नहीं. मुझे कुछ भी बहुत ज़्यादा लाउड पसंद नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स की थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में एवोल्यूशन हुई, वो सोफिस्टिकेशन की तरफ, कर्टिसी की तरफ, तहजीब की तरफ, सलीके की तरफ, रिस्ट्रेंट की तरफ. एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे ये चाहिए, नहीं दो, वो रोता है. थोड़े बड़े आप होते हैं तो आप नहीं रोते. आपको बड़े होकर भूख भी लगती है तो आप नहीं रोते. करेक्ट. छोटा बच्चा रोता है. तो मच्योरिटी और एवोल्यूशन में रिस्ट्रेंट होता है ना. तो जो लोग ऐसे कुछ भी बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल नहीं गए. और स्कूल से मेरा मतलब स्कूल नहीं है. ओके, जिंदगी के स्कूल नहीं, जिंदगी के स्कूल अभी पढ़े ही नहीं. और फिर अब आजकल के जमाने में बड़ा कूल है. अरे यार, जो दिल में है वो बोलता है. तो ऐसा तो हर कोई कर सकता है. ओके, व्हाट मेक्स यू एंग्री? बीइंग मिसअंडरस्टूड. ओके, आई मेक अ बिग एफर्ट टू कम्युनिकेट with exact words that I want to, that I feel, जो मैं महसूस कर रहा हूँ. उसके बाद जब आप misunderstood होते हैं ना, उस effort के बाद, तब गुस्सा आता है, मूड खराब होता है. What age you want to retire? Never. Never. What compliment does people give you the most? Mostly तीन सुनने को मिलते हैं. आप बहुत लंबे हैं. और आप इतने लंबे हैं क्योंकि शायद टीवी पे नहीं पता चलता. टीवी पे नहीं पता, क्योंकि वो 5'2" वाली हीरोइन के नीचे भी पाटला होता है. करेक्ट. हमें नहीं पता चलता कि ओह माय गॉड, 5'2" वाली तो किसी और मंजिल पर लग रही है साथ में खड़ी. राइट. आवाज और आंखें. वो आंखें वाली प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत लोग तो वैसे आई कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाते, तो फिर मुझे ही उनकी मदद करनी पड़ती. उसमें आप बेस्ट हो. ऑलराइट. सो अगर आपके पास बोलने वाली आंखें हों तो फिर लफ्जों की जरूरत क्या है? सही बात है. सनराइज और सनसेट? स्टार्टिंग एट सनसेट, कंटिन्यूइंग टिल सनराइज. डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ? नहीं. यस, मैंने इसलिए. डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ बोरिंग पर्सन और फन पर्सन? आई थिंक आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन. ओके. आर यू हैप्पी? वेयर आर यू राइट नाउ इन योर लाइफ? आई डोंट थिंक एनीबडी इज हैप्पी. आई एम सैटिस्फाइड. एंड आई थिंक माय परस्यूट इज फॉर सैटिस्फैक्शन. माय परस्यूट इज कि मुझे तसल्ली हो कि ठीक है ना. मैं ज़्यादा तंग हूँ बाय मुझे ये नहीं मिला, और ना मैं ज़्यादा हवा में उड़ रहा हूँ कि मुझे इतना कुछ मिल गया, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी इतनी पावर है. नहीं, आई थिंक जितना मिलता है, जितनी आप कोशिश करते हैं, उसमें अगर आपके पास सेटिस्फैक्शन के लेवल्स हैं तो यू शुड बी हैप्पी. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली यंगस्टर्स, जस्ट इन केस एनीबडी इज लिसनिंग, दैट व्हेन यू मेक लाइफ गोल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लाइफ गोल, आपका लाइफ गोल क्यों है. तो आपको लगता है कि मुझे ये बनना है, पर वो बन के क्या होगा? तो अगर आप दुनिया के सबसे फेमस एक्टर बन गए तो उसके बाद, सो हाउ विल दैट कीप यू हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? सो ये एक मोमेंट होता है ऑफ अचीवमेंट, इट इज़ नॉट द एंड. सो बिकॉज हम एक जिंदगी की बात कर रहे हैं जो चलती रहती है, नो वन पॉइंट कैन बी अ गोल. इट कैन ओनली बी अ स्टेप कि यू से पहले मैं इतना अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, फिर मैं बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ, फिर मैं ये भी करना चाहता हूँ. दैट इज स्टिल ओके. बट मेरे पास अगर घर होगा ना अपना, तो मैं खुश हो जाऊंगा. जब वो घर हो जाएगा
तो देन इट डजंट मैटर फिर, या मेरे पास जब ये मैं ये वाली गाड़ी खरीद लूँगा या मेरी इस गर्लफ्रेंड से शादी हो जाएगी, नन ऑफ दिस मैटर्स. यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट मेक्स यू सेटिस्फाइड, तसल्ली, चैन, पीस. वंस यू फाइंड दैट, दैट शुड बी योर गोल. योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, दिस व्हाट आई जस्ट डिड. ओके. योर वीकनेस, दिस बिना पूछे जो की मैम. ओके. इफ यू गो फॉर एन एडवेंचर ट्रिप, विद होम यू टेक अलॉन्ग एंड वाई? अब ये यार देखो, एक्सेस का नाम लेने का कोई मतलब नहीं. एग्जैक्टली. पर एक थीम जिनके साथ ऐसा, मतलब हम कुछ शायद 8-9 महीने साथ थे, और उस 8-9 महीने में शायद 11 ट्रिप्स थे हमारे. वाह. क्योंकि हमारा सॉर्ट ऑफ बज ही ये था, मतलब यूज टू लव टू ट्रैवल एंड डू थिंग्स. वाह. लव मैरिज और अरेंज मैरिज? इट वॉज लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ. ओके. आप क्या पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगी? समझदार इंसान गलतियां दोबारा नहीं करता. हाँ, तो वो दिस इज व्हाट आई सेड. मतलब अब कुमारे भी तो नहीं रहने वाले ना लाइफ टाइम. कुमारे तो हम अब रहे ही नहीं. रहे नहीं, मतलब अब आगे जो आने वाला फ्यूचर. नहीं, सी नाउ द रिस्क रिवॉर्ड इज हैज टिल्टेड ट्रेमेंडसली. आई थिंक एनी गाय डिसाइड, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एनी गाय डिसाइडिंग टू गेट मैरिड नाउ नीड्स टू रियली थिंक वॉट यू गेन आउट ऑफ दिस एंड वॉट यू कैन लूज आउट ऑफ दिस. एग्जैक्टली. एंड द सिस्टम, द लॉ, द सर्कमस्टेंसेज आर सच दैट इट्स टू रिस्की. I would completely understand when people want to, because it will make you happy and God bless you and may you live happily together. But understand that everything can be lost, not just yours, but everything that your family has, including your reputation. So, correct. The risk reward is just too bad now. I don't think anybody should do this out of emotion. Ab ye bahut socha samjha और ईमानदारी से लिया गया डिसीजन होना चाहिए बिटवीन टू पीपल. करेक्ट. ओके. हु इज योर सुपर हीरो एंड व्हाई? माय फादर. योर फादर? उसमें भाई की बात ही नहीं है. माय फादर वाज द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन. मैं अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से मिला हूँ, बट ही वाज द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम, इंटेलिजेंस, अनअवेयर स्पिरिचुअल प्रावेस एंड एथिक्स. और इस सब में वो इतने आसानी से ये सब कर लेते थे ना कि आई एम मेकिंग इट साउंड लाइक मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, बट विद हिम इट वाज सो इजी. करेक्ट. मैं थोड़ी सी झलक हूँ उनकी, कभी उन जैसा बन पाया. पापा की कार्बन कॉपी? हाँ, मतलब झलक हूँ इतना मुझे अपनी आवाज़ में, अपनी बातों में सुनाई देता है, बट काश वैसा कभी. वेरी गुड. फैशन मीन्स टू यू? कम्फर्ट. फेवरेट ड्रिंक? वर्जिन मोहितो. Most unforgettable person? जिसे मैं दिन में सबसे ज्यादा याद करता हूँ, मेरा बेटा. Very good. Okay. Lastly, आप हमारे शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गला बैठ गया मेरा. बहुत बुलवाता है ये, पुरानी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाता है. मेरी फिल्म की प्रमोशन के बहाने आया था, जिसकी बात ही नहीं की, और इधर उधर की बातें मुझसे बुलवाता रहा. बट अगर इस प्रोसेस में आपको मजा आया, then this is why he did this. So watch this and share this and subscribe to this. Most importantly, after you watch this, do comment. Even I want to know what you thought about this. Exactly. और ये सब बातों में movie की promotion सबसे पहले ही हमारे भाई ने कर दी थी लकीरों की, कि कोई justification भी देगा. आपने ही की थी कि इनकी एक movie आने वाली है 3 November को, please guys देखना ना भूलें, जिसमें कि बहुत ही different character निभा रहे हैं जो आज से पहले नहीं किया है. हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजिंग होता है, कुछ नया होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो अब यहाँ पे करने वाले हैं. आपको एक नए अवतार में गौरव चोपड़ा दिखने वाले हैं. तो गाइज प्लीज गो एंड वॉच, और इस मूवी को और भी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर बना दें, धमाल बना दें, जैसे आपने गदर 2 को बनाया है और राणा नायडू को बनाया. मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इतनी बकबक की तो यहाँ भी कर दूँ. यस. ये वो ब्लॉकबस्टर वाली फिल्म नहीं है. इनकी विशेष के लिए थैंक यू वेरी मच. ये वो फिल्म है जिसमें हम सिर्फ चाहते हैं कि आप जाके देख लें. एक छोटी सी फिल्म जो एक मुद्दे पर बनी है और बहुत सिंसेयरली ऑनेस्टली बनी है. इसको पैसा कमाने के लिए रिलीज़ नहीं किया जा रहा, इसको आप तक पहुंचाने के लिए रिलीज़ किया जा रहा है. तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप तक पहुंच जाए. हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों होगा अगर ये फिल्म देखने के बाद इस टॉपिक पे बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी तक ये मुद्दा इन कॉन्वर्सेशन ही नहीं है. सो मेल साइड ऑफ दिस एंड फीमेल साइड ऑफ दिस, ये दोनों साइड बाहर आना ज़रूरी है. एंड हम सिर्फ ये होप एंड प्रे कर रहे हैं कि इस फिल्म के बाद शायद ऐसा हो.
100% ऐसा होगा क्योंकि उन्होंने वो प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से और अपनी 100% डेडिकेशन के साथ बनाया, एंड आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट गौरव चोपड़ा के साथ मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग रहा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।